ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे क्लास को। वैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि भैया थोड़ा रोको, मैं पूरा डिटेल में लूंगा, पहले बेसिक कवर करते हैं। तो आज पर योर आप लोग थोड़ा गड़बड़ कर दिया, आपको लग रहा है कि क्या हो गया क्या हो गया, टॉपिक समझ में नहीं आया समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं तब होगा, थोड़ा वेट करना चाहिए था आपको, हर चीज समझा देने वाला था, लेकिन आप थोड़ा ठीक है पेशेंस गवा दिया सबके सब, बट नो प्रॉब्लम। ठीक है, और रही बात कल कितने लोगों ने अटेंड किया, कल क्लास के एंड तक बहुत कम लोग पूछे थे, मैं देखा कल पूरा, मैं जिन लोगों से मुझे नहीं आया उनके लिए मैंने पूरा सेशन लिया था, पूरा लाइन टू लाइन समझा था, जहां तक मतलब जरूरी था वहां तक, बहुत कम लोग अटेंड किए कल, क्या कर सकते अभी। ओके नो प्रॉब्लम, चलेगा, जिन लोगों को समझ में आया अच्छी बात। सुनिए आप, आज सब लोग पूरा अटेंड ही रहिए। So today we are starting what? A very special thing called as a replication. So, आज हम start करें replication, ठीक है? तो देखिए replication को हम इस तरह से deal कर सकते हैं। क्या message है? कुछ message नहीं है। Okay. तो सब लोग अभी attend रहिए और इसका notes भी बनाने, ठीक है? अभी तक मैं notes बनाने के लिए कुछ बोला नहीं, NCERT के through बनाने के लिए बोला था। लेकिन specifically ये जो चीज़ है उसका notes आपको बनाना है, ठीक है? चलो, so, let's start the replication. Okay. तो पहले इसको समझ लेंगे पूरा का पूरा, देन हम इनसाइट के थ्रू रीड करेंगे, मैं रीड करके दूंगा, ठीक है? आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, आई विल हेल्प। ओके चलिए भैया देखते हैं। सो एज यू नो, सब लोग ध्यान दीजिए, जैसे कि हमें पता है इफ देयर इज अ स्ट्रैंड, आपके सामने अगर कोई स्ट्रैंड है, मान लो ये रहा स्ट्रैंड इस तरीके से, ओके सडनली होता है क्या रेप्लिकेशन के अंदर, स्ट्रैंड जो है, स्ट्रैंड क्या होता है, इस तरीके से थोड़ा सा काइंड ऑफ ऐसा क्रिएट होता है, राइट? इस तरीके से स्टैंड बन जाएगा, है ना, एंड बबल्स क्रिएट होता है इस तरीके से, एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंस, अगेन दिस कंडीशन विल क्रिएट। अच्छा वन मोर थिंग, नो क्वेश्चन ड्यूरिंग, जितना पढ़ा रहो तब तक कोई क्वेश्चन मत करना, ठीक है? क्वेश्चन लास्ट में करना, ठीक है? पहले से दिमाग में कोई क्वेश्चन मत रखना, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, खाली सुनो, ठीक है? जैसे रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगा तब क्वेश्चन करना, जितने करना करना, ठीक है? बीच बीच में क्वेश्चन मत करना, ठीक है? चलिए ये पहले से मुझे आपको बताना था, क्योंकि आप आपके माइंड में क्वेश्चन रखते हो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, उस क्वेश्चन डालने के चक्कर में पूरा सीक्वेंस बिगड़ जाता है, तो बेटर है जब होने के बाद क्वेश्चन पूछ लेना, ठीक है? चलो सो होता है क्या, देखिए जनरली इन जनरल इस तरीके से हमने देखा है, देयर इज एन स्ट्रैंड, ओके, एंड यहाँ से कुछ इस तरीके से बबल फॉर्म होता है, एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंस, इसी के ऊपर क्या होता है, धीरे धीरे से नया स्ट्रैंड होना बनना स्टार्ट होता है, इस तरीके से देखा हमने, ये सिचुएशन हमने देखा है, राइट? This situation is there. Okay. So now point is that यहाँ पे देखिए बहुत important चीज़ है. तो how is it possible? बड़ा question है कैसे होता है? Okay. So let's go ahead. तो generally अगर देखा है हमने क्या देखा है? In general देखा है कि suppose there is a strand. If there is a strand, okay. ये strand जो था, ये strand ने क्या कर दिया भैया? Finally this condition is like this. Okay. And over a period of time it become like इस तरीके से बनने वाला था. इस तरीके से दो strand separate हो जाएंगे. Both the strand will get separate. ओके एंड न्यू स्ट्रैंड विल कम अप हियर, यहां पे पूरा का पूरा नया स्ट्रैंड आ जाएगा, राइट? ओके सो एज यू नो, जो पुराना स्ट्रैंड है उसको पुराने स्ट्रैंड जो रेड कलर से देखा उसको क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड, इट्स अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट? जो पुराना वाला स्ट्रैंड था उसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलना है, जो नया स्ट्रैंड है उसको बोलते हैं हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बोल सकते हैं, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जो नया 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 बन गया उसको बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, और मोर आप क्या बोल सकते हैं, न्यू स्टैंड भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपल वर्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके? एंड व्हाट वी कैन से, दिस काइंड ऑफ रेप्लिकेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, इस प्रकार का रेप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोलते हैं। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज ओल्ड स्ट्रेच का कुछ पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए जैसे हमने देखा था, क्या देखा था, देयर इज एन ओल्ड स्ट्रैंड, ओल्ड स्टैंड का थोड़ा सा हल्का सा पार्ट यहाँ पे मिल रहा है, राइट? थोड़ा इधर मिल रहा है, थोड़ा इधर मिल रहा है, आधा आधा मिल रहा है, कंप्लीट मिल रहा है नहीं, दैट्स व्हाई सेमी मतलब आधा कंजर्वेटिव, कुछ चीज क्या की है, मतलब पुराने पार्ट से कंजर्व की है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि इन्फॉर्मेशन के अंदर कुछ बदलाव, नहीं नहीं, इन्फॉर्मेशन का फोटोकॉपी एज इट इज है, समझ में आ रहा है, इन्फॉर्मेशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कुछ था यहाँ कुछ हो गया आ गया ऐसे नहीं, आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एग्जैक्टली वैसा ही है, बस नया चीज है, नया चीज है, जैसे कि हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक गाड़ी को देख के दूसरा गाड़ी डिजाइन करना, मतलब क्या
डिजाइन के इसमें कुछ चेंजेस किए नहीं, डिजाइन एज इट इज था, लेकिन खाली जो पुरानी गाड़ी थी उसका मतलब उसको देख देख के बनाया गया। तो इस तरीके से देयर इज नथिंग इज चेंज, नथिंग इज न्यू। न्यू स्टैंड मतलब क्या, उसकी जैसा ही है, ठीक है, जैसे उसका जैसा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आप समझ सकते हो। तो इसका मतलब ये पुराना वाला डीएनए और नए वाले दो डीएनए देयर एग्जैक्टली सेम डीएनए, दोनों को दोनों एग्जैक्टली सेम डीएनए आपको बताना था, ठीक है। तो मोर ओवर कई बार ये जो डीएनए हैं जो नए वाले डीएनए बने उनको कई बार क्या बोलते हैं, समटाइम्स देयर कॉल्ड एज डॉटर डीएनए, कुछ कुछ बुक्स में क्या बोलते हैं डॉटर डीएनए, देयर कॉल्ड एज डॉटर डीएनए, सही बात है, ओके। एंड दिस वन इज कॉल्ड एज व्हाट, उसको बोलेंगे हम पैरेंटल डीएनए बोलेंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज पैरेंटल डीएनए, ओके। सो दिस थिंग्स वन शुड नो, आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी कंजर्वेटिव, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, वन स्ट्रैंड इज कंजर्व, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो उसको आसान भाषा में बोल सकते हैं, वन स्ट्रैंड इज कंजर्व, मतलब एक स्ट्रैंड क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है। सो दिस थिंग इज देयर, वन शुड नो, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, लाइक दैट वी कैन अंडरस्टैंड, सो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एक स्टैंड कंजर्व किया जा रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ओके। चलिए आगे चलते हैं, सो नाइस, इवन दो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हाट वी कैन से, अगर किसी को ये व्हाट वी कैन से टेम्पलेट स्टैंड को कई बार हम पैरेंटल स्टैंड भी बोल सकते हैं। यहाँ जो टेम्पलेट स्टैंड लिखा है मैंने, जो कि कौन सा वाला टेम्पलेट स्टैंड, जो पुराना वाला उसको टेम्पलेट स्टैंड बोल रहा था, इन सम केसेस हम इसको पैरेंट स्टैंड के नाम से भी जान सकते हैं, ओके। तो कुल मिला के ऐसा गड़बड़ नहीं करना है कि ये क्या दिया वो क्या दिया, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनो जो भी बोल रहा हूँ, एक ही बार बताऊंगा, एक ही बार आपको अच्छे से प्यार से सुनना है, उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। फिर से रिपीट बता रहा हूँ, सब लोग सुनिए, द Sometimes what we can say, जो नया स्टैंड बन रहा है उसको बोल सकते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, और इन अवर जनरल लैंग्वेज वी कैन से व्हाट, न्यू स्टैंड, वी कैन से ऐसा न्यू स्टैंड बोल सकते हैं। जो पुराना स्टैंड है ना, पुराना है तो पैरेंट है, उसको पैरेंट स्टैंड बोल सकते हैं, लेकिन इट एक्ट एज अ टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब भैया उसको देख देख के ही तो नया स्टैंड बनाया गया है, तो हम उसको टेम्पलेट स्टैंड के नाम से उसको जान सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्डिंग्स इंपॉर्टेंट है, इसमें बाद में मतलब झोल नहीं खाना, अभी इसको कोडिंग स्टैंड क्यों नहीं बोलेंगे, नहीं, यहाँ ऊपर की तरफ हो सकता है, ऊपर की तरफ कंसिडर हो सकता है, जब एमआरएनए बना रहे तो तब नाम देंगे, कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, उस समय नाम देना है, हम यहाँ पे रेप्लिकेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ रेप्लिकेशन में कोडिंग टेम्पलेट का कुछ भी सवाल नहीं है, हम रेप्लिकेशन को आज इस करके समझेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, न्यू स्टैंड और पैटर्न स्टैंड, ऐसे हम समझ सकते हैं, ठीक है, या फिर डॉटर स्टैंड बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, न्यू स्टैंड को डॉटर स्टैंड कह सकते हैं, वैसे भी कह सकते हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना है, इस तरीके से अंडरस्टैंड करना, ठीक है। सो यहाँ तक किसी को डाउट है, डाउट टिल नाउ यू कैन आस्क, मुझे बताइए, डाउट है किसी को, क्लियर है सबको, ओके, ओके, सो लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं, अभी दूसरे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, सब लोगों को भी ध्यान दीजिए, ठीक है। सो जनरली हम कभी भी मतलब स्टडी करते हैं मतलब डीएनए रेप्लिकेशन का, तो मोर ओवर कई बार फोकस किया जाता है किसको, प्रोकैरियोट को फोकस किया जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम दे आर फोकसिंग ऑन व्हाट, प्रोकैरियोटिक सेल, कई बार प्रोकैरियोटिक सेल को भी हम देखते हैं कि किस तरीके से उनके अंदर होता है, ये भी मतलब कई बार देखा जाता है, ओके। चलिए, नाउ प्रोकैरियोटिक सेल फॉर अ व्हाइल वी कैन टेक व्हाट, एस्चेरिचिया कोलाई, हम एस्चेरिचिया कोलाई बोलेंगे, चलिए भैया एस्चेरिचिया कोलाई को कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। नाउ थिंक अबाउट द एस्चेरिचिया कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई का जो डीएनए है इट लुक लाइक दिस, सर्कुलर डीएनए, ओके, और समटाइम्स यू कैन इट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम आल्सो, हालांकि उनके अंदर कुछ क्रोमोसोम का कंसेप्ट नहीं, लेकिन वन क्रोमोसोम ऐसा बोल सकते हैं, सिंगल क्रोमोसोम ऐसा कई बार किसी किसी बुक में लिखा है, एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा है, तो उसको मान सकते हैं, बट देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ क्रोमोसोम बिकॉज इट्स अ सिंगल सेट ऑफ डीएनए, इट डजंट फॉर्म एनी काइंड ऑफ क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, बट देन आल्सो वी कैन से इट इज अ क्रोमोसोम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो व्हाट वी कैन से, अभी देखिए प्रोकैरियोट के अंदर किस तरीके से था, यूकैरियोट के अंदर किस तरीके से, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इट्स अ ओके। सो चलो ठीक है, इसके अंदर ही ऐसे होगा, इवन दो ये भी होगा, तो भैया इसको भी तो ओपन अप करना पड़ेगा, ही सपोज टू व्हाट ओपन अप, ये भी तो ओपन अप होगा इस तरीके से, ये भी कहीं ना कहीं क्या होना पड़ेगा उसको इस तरीके से, कंपनी का कार, ठीक। सो ये रहा इस तरीके से क्या होने वाला है, इधर ओपनिंग होने वाला है, हियर इज एन ओपनिंग इज देयर, राइट, फोकस कीजिए, यहां पे देखिए ओपनिंग, सेम इनके इनके पास भी क्या होता है, सेम तरीके से होता है, देयर इज नथिंग इज न्यू कांसेप्ट, हियर इज आल्सो व्हाट सेम हैपनिंग, यहां पे भी क्या होता है, सेम ही होता है, ओके। बट मजे की बात देखिए, मजे की बात देखिए, तो मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए इस तरीके से, ये तो हो गया, इनके केस में भी ऐसे हो रहा है, ओके। सो फ्रॉम वेयर मतलब कहां से ओपनिंग होगा,
ये भी हमें अंडरस्टैंड करना है, तो कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसके लिए मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बताता हूँ उसको थोड़ा रिमेंबर के लिए। तो स्ट्रक्चर लाइक दिस, सो वो दिस इज एन डॉल इज देयर, ठीक है। उस डॉल को थोड़ा रिमेंबर कीजिए, इससे क्या होगा, हमें फायदा होगा, ठीक है। सो डॉल मतलब क्या है, इट्स अ न्यूक्लियोटाइड, इमेजिन करो इट्स अ न्यूक्लियो, इट्स अ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे मान लीजिए एडिनिन है, ठीक है, एडिनिन है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ व्हाट वी कैन से शुगर है ना, शुगर एंड फॉस्फेट, ये मान लीजिए ये क्या है, इट्स अ हेड एंड इज व्हाट, यहाँ पे फॉस्फेट है मान लीजिए, हेड एंड फॉस्फेट, तो ये हेड एंड इज फाइडेशन, यहाँ पे क्या है शुगर, ये शुगर है, दिस वन इज शुगर, यहाँ पे OH, यानी यहाँ पे क्या होगा फाइडेशन, एक जगह पे क्या आ रहा है आपको फाइडेशन आ रहा है, हेरिजन फाइडेशन, हेरिजन फाइडेशन, तो ये रे डॉल। इस डॉल को थोड़ा मतलब इस्तेमाल करेंगे हम रेप्लिकेशन समझने के लिए, इसके अलावा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ओके। ये क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है, जिस जिनको समझ में नहीं आ रहा वो लोग सुनिए भैया, देखो क्या है ये स्ट्रक्चर इस तरीके से, कुछ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ मैंने निकाला 3HOH, यहाँ पे कुछ आप लगा सकते फॉस्फेट, फॉस्फोरस लगा दिया, और यहाँ पे क्या है आपका व्हाट वी कैन से थ्री डैश, थ्री डैश पे क्या मिलेगा आपको, सॉरी हाँ थ्री डैश तो इधर आएगा, थोड़ा थोड़ा साइड में लग सकते कोई दिक्कत नहीं, यहाँ थ्री डैश आएगा, थ्री डैश पे क्या मिलता है आपको OH मिलता है, लाइक दैट वी कैन से इस तरीके से क्या कर सकते हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये जो और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, हेयर इज नॉट एडिनिन इज प्रेजेंट, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने डॉल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दोज हु आर नॉट गेटिंग उनके लिए मैंने बता दिया, ठीक है, जिनको समझ में अच्छी बात है। तो दिस डॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो डॉल का स्ट्रक्चर अगर निकाले तो आपको समझ में आना चाहिए, अगर मैंने ऐसे कुछ निकाल दिया तो दिस अपर पोर्शन इज कॉल्ड एज व्हाट फाइव डैश, यहाँ पे क्या बोलेंगे उसको थ्री डैश बोल सकते हैं, फिर इस साइड से बोलो थ्री डैश को भी करते हैं, हियर इज व्हाट, हियर इज द नाइट्रोजन बेस पेयर, ओके नो प्रॉब्लम। तो देखिए थोड़ा इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते, सपोज आपके सामने मैंने क्या रख दिया, मैंने रख दिया भैया इस तरीके से कुछ डीएनए का एक स्ट्रैंड रखे, इफ आई पुट वन डीएनए स्ट्रेच है, यहाँ मैंने कुछ क्या करते हैं डीएनए का स्ट्रेच रख दिया, इमेजिन करो, ओके एंड हियर इज अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए समथिंग लाइक दिस, चलो ठीक है, लाइंस पे मत जाओ, लाइंस ऊपर नीचे हो जाते हैं, ओके ये रहा, ओके देखिए यहाँ पे मैंने फुट निकाला है, हियर इज अ फुट, हियर इज अ फुट, यहाँ फुट निकाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डेफिनेटली थ्री डैश एंड आएगा, हियर इज अ थ्री डैश एंड, राइट, और यहाँ पे मैंने हेड निकाला है, तो हेड निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा डेफिनेटली हियर इज अ फाइव डैश एंड, यहाँ पे उल्टा आएगा हियर इज अ हेड, यहाँ पे क्या आएगा अगेन व्हाट वी कैन से फाइव डैश एंड, एंड यहाँ पे फुट आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा थ्री डैश एंड, ओके चलिए। सो नाउ पॉइंट इज दैट, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब अभी देखिए तो फ्रॉम हियर कहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, इंपॉर्टेंट चीज वो है, फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, दैट मैटर लॉट, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि भैया रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होगा, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, किस तरीके से करता है हम देखेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ एटी रिच सीक्वेंस, मान लीजिए यहाँ पे क्या है जी सी है ना, और यहाँ पे ए टी है, ठीक है टी ए या फिर जी सी, देयर इज अ जी सी सी जी सी जी लाइक दैट, within this strand where is it there sequence, here is an it, yahan pe it is sequence hai, samajh mein aa raha hai, it is sequence zyada, okay ye jahan it is sequence zyada hai to yahan bond kaun sa hoga, double bond hai, it is a double bond, ye other else yahan pe triple bond milega, yahan pe triple bond milega, theek hai, so obviously within this strand somewhere the it is sequence is there, wahan it is sequence kya hoga zyada hi hoga, no point is that always replication start from that point only, kabhi bhi replication kahan start hota hai, yahi pe start hota hai, kyunki double bond hai to weak hai, इजिली क्या हो सकता है, वो सेपरेट हो सकता है, विल गेट सेपरेट इजिली, सो याद रखना, सो व्हाट वी कैन से जहां पे एटी रिच सीक्वेंस है, एडेनिन एंड थायमिन उसको बोलते हैं, एटी रिच का मतलब ए एडेनिन, ए मींस एडेनिन, थी मींस थायमिन, ठीक है, उसको एटी रिच सीक्वेंस जो है उसी सीक्वेंस से क्या होता है, व्हाट विल हैपन, द स्ट्रैंड गेट सेपरेटेड, ओके जनरली, सो दिस वाज द थिंग जनरली हैपेंस, सो इन टर्म्स ऑफ हियर आप बोलोगे सर इसी केस में हो सकता है, यस इन टर्म्स ऑफ प्रोकैरियोटिक केस में, जहां मैंने जो यहां पे सेपरेट निकाला है, यहां पे भी क्या होगा, देयर मस्ट बी व्हाट TA और TTA like this तरीके से, यहाँ पे 80 रिच सीक्वेंस होगा, where there is an 80 रिच सीक्वेंस उसी से क्या होगा स्ट्रैंड क्या होगा, कभी भी क्या होता है सेपरेट होता है, उसके अलावा कभी स्ट्रैंड सेपरेट नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए, चलिए लेट्स गो अहेड आगे चलते हैं, सो नाउ द पॉइंट इज दैट क्या हो गया उसकी छोटा करता हूँ कंक्लूजन अभी कंक्लूजन निकल रहा है हमारा, कंक्लूजन क्या निकल रहा है सर, एक कंक्लूजन निकल रहा है, क्या निकल रहा है कि सर जहां पे 80 रिच सीक्वेंस ज्यादा है, वेयर देयर इज एन 80
रिच सीक्वेंस, जहाँ इटरेटिव सीक्वेंस ज्यादा है वहीं से क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, स्टार्ट होता है. तो दैट इज इम्पोर्टेंट, वो इटरेटिव सीक्वेंस मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है हमें. ठीक है, चलिए तो एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट होता है देखते हैं. अभी देखिए आपके सामने मैंने एक स्ट्रैंड रख दिया, सपोज दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड, ओके लाइक दैट, एंड यू कैन से हियर इज अ स्ट्रैंड इज देयर, ओके लाइक दैट. तो समवेयर यहाँ पे जी जी सी सी टी इज देयर, ए जी टी टी ए टी अगेन एंड जी टी जी एंड सी एंड जी एंड ए लाइक दैट यू कैन से. चलिए for the standing about it will come easy to understand. Here it will come, here will come C, here will come G, here will come G again, sorry, here will come, yahan pe G aayega, yahan pe C aayega, yahan pe A aayega, yahan pe T aayega, yahan pe C aayega, yahan pe A aayega, yahan pe A aayega, yahan pe T aayega, T A C A and C, sorry, yahan G hai to C aayega, okay, yahan C hai to G aayega, theek hai, G aur C same dikh raha hai, isko samajh mein aaya hoga, yahan pe T aayega, maine these are the condition is there, okay. So obviously there is no need to mention double bond, triple bond, but should take triple bond, triple bond, triple bond, triple bond, triple bond, double bond, double bond, triple bond, double, 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 triple, double, triple, 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 double. These are the situation is there. Yes, situation hum generally dekhte hain, okay. So now, as I mentioned earlier, so always replication start from where, where there is an iterative sequence, okay. So there are special kind of proteins. यहाँ पे कुछ special kind of proteins आते हैं. Okay. They look like this. कुछ proteins आते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे? They will come here and they will come here and bind here. अभी देखो specifically कहाँ दिखे? पहले find out करो. So इस जगह में ज़्यादा दिखता है. There is a place where the iterative sequence is very high. Double bond ज़्यादा है. Okay. So there are special kind of protein will come and they hook here. यहाँ पे क्या करते? आके क्या करते? Hook form करते. Okay. They look like this and like you can say they hook here. सब लोग ध्यान दीजिए. Here is also they will come and they hook here. यहाँ पे आके क्या करेंगे? Hook formation करेंगे. Likewise. Okay. So this condition will happen. यहाँ condition आपको इस तरीके से मिल जाएगी. Okay. So और क्या करते हैं? उसको hook करके क्या करते हैं? उसको दोनों side से क्या करते हैं? Hook करके खींचते हैं. ऊपर वाले stand को खींचा जाएगा, नीचे वाले stand को खींचा जाएगा. So what will happen? So एक replication bubble form होगा. यहाँ पे सब कुछ ठीक तो वहाँ bubble बन जाएगा. Okay. तो उसको क्या बोलते हैं? इस वाले का bubble, replication bubble बोलते हैं. So ठीक है. So now point is which enzyme is there? ये enzyme को उन्हें पता होना चाहिए. उसको बोलते हैं DNA A enzyme. Nothing, nothing is new. Scientists लोगों ने बहुत simple सा नाम दिया. It is called as DNA A enzyme. Very simple thing. Okay. So so they will फिर pull out करेंगे तो pull out करने से क्या होगा? सर finally क्या होगा? The situation become like this. यहाँ पे खींच रहे तो वहाँ पे क्या होगा? Bubble form होगा. Okay. Like that we can see. So this situation created because of this which enzyme? DNA A enzyme. ठीक है, तो always याद रखना. तो which enzyme is create the replication bubble? अगर ऐसा question आया, this is out of syllabus, but sometimes they may be ask. मैं बोला था कि out of syllabus question इस chapter में से आते हैं, इसलिए मैं इतना detail में ले रहा हूँ. Okay, although it is not mentioned in NCERT, लेकिन NCERT के बाहर से कुछ question आते पता होना चाहिए. आपने solve भी किए होंगे, आपको पता होगा. ठीक है, चलिए. So this was, अभी मैं पूरा sequence नहीं लिखूंगा, लेकिन बस आपको पता चल गया किस जगह पे हो रहा है. यानी जहाँ पे eight rich sequence था वहाँ पे क्या हो गया? Replication bubble form हो गया. ठीक है, चलिए. So now point is that देखिए जहाँ बहुत important चीज़ है, तो जहाँ पे replication start हो रहा है, यहाँ पे replication क्या हो रहा है? Start हो रहा है. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे unzipping हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है? Unzipping. Unzipping मतलब back का chain को zip बोलते हैं. Zip, zip लगाना और unzip करना. That's like means है. मतलब जब unzipping बोलेंगे तो वहाँ पे unzipping हो रहा है. ये area पे क्या हो रहा है? Unzipping हो रहा है. ऐसा बोल सकता है. ऐसा वर्ड आया तो आप ये मतलब घबराना मत. ठीक है, तो या फिर इस एरिया को से बोला, नाम बोला जाता है. थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है. हो सकता है केवी पैक के अंदर आएगा, लेकिन नहीं तो नहीं आएगा, लेकिन पता होना चाहिए. उसको बोलते हैं क्या? कॉन्सेंसस सीक्वेंस. कॉन्सेंसस सीक्वेंस. अब ये थोड़ा नाम हार्ड है, उसकी तरफ ध्यान मत देना. नीट के अंदर नहीं आता है, नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता. केवी पैक के अंदर आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ. हाँ, घबराना मत. ठीक है, ये क्या हो रहा है? ठीक है, बहुत सारे लोग नाम देख के मतलब घबरा जाते हैं. मेरे को मतलब गुस्सा आ रहा है. ऐसे क्यों कर रहे लोग? इतना सिंपल चीज है, मजा लेना चाहिए. ऐसा क्यों करना चाहिए? ठीक है, चलिए. So it is called as unzipping. Unzipping मतलब क्या कर रहे हो? वो जो चिपका हुआ था उसको उस पार्ट को क्या किया जा रहा है? सेपरेट किया जा रहा है. ओके, सो इट गेट सेपरेटेड. ओके, नाउ इट्स गुड. नाउ द पॉइंट इज दैट ये जो एरिया है, अच्छा, ये अनजिपिंग एरिया, कॉन्सिक्वेंसेस एरिया, कुछ आसान नाम दीजिए. तो आसान नाम दिया था लोगों ने, जो कि थैंक्स, जो कि एनसीईआरटी भी उसी को यूज करती है. हार्ड नाम को यूज नहीं करती है एनसीईआरटी. इसको जो साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया था उसको बोलते हैं ओ आर आई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. तो ये तो सर
स्टेटमेंट हो गया, नाम थोड़ी है, तो ये तो स्टेटमेंट हो गया। नहीं नहीं ऐसा गोली नहीं मारा देगा कहीं भी, ठीक है, ध्यान देने का। इसको बोलते ओ आर आई ही बोलते हैं। अब देखो एनसीईआरटी के अंदर वर्ड कौन सा यूज किया, ओ आर आई वर्ड, ठीक है। इट्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसलिए ओ आर आई यूज किया, ठीक है। अब ये मत बोलना सर ऐसा क्यों नहीं किया सर, ओ आर आई पी करना चाहिए ना, ओरी नहीं, ऐसा ही होता है, दैट्स ऑल फिनिश। इट इज कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, दिस इज व्हाट योर ओ आर आई सेड। ओके, सो नाउ इट विल गेट सेपरेट, ये पूरा का पूरा क्या हो गया यहां से, क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ओके, सो चलिए आगे चलते हैं। बट हियर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल टेल व्हाट यू कैन से, चलो आगे चलते हैं। नाउ जस्ट टेक द डिफरेंस, जस्ट टेक द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू कैन से बैक्टीरियल क्रोमोसोम एंड इनका क्रोमोसोम, ह्यूमन क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर हमने प्रोकैरियोटिक का देख लिया, इफ यू थिंक अबाउट द प्रोकैरियोटिक वन एंड इफ यू थिंक अबाउट द यूकैरियोटिक वन, दोनों में डिफरेंस क्या है? As you know, prokaryotic DNA is what? Circular DNA. इनका DNA क्या मिलता है? हमें circular DNA मिलता है. Yes, it's a circular DNA. Look like this. Okay. And our DNA is what? Our DNA is what? It's a stretch like this. इस तरीके से स्ट्रेट मिलता है, ठीक है? Obviously मैं निकाल रहा हूँ, सर्कुलर तो नहीं मिलता, इट्स नॉट सर्कुलर एट ऑल। ओके, इफ यू लुक टुवर्ड्स द बैक्टीरियल DNA, अगर हम बैक्टीरियल DNA की तरफ देखेंगे तो दे हैव वेरी फ्यू ओवरआई सेट, फ्यू मीन्स वॉट, एक ही रहता है, एक ही मिलेगा उनके पास, ज्यादा नहीं मिलेंगे। So means what? What you can say? हम क्या बोल सकते हैं? They have the only one, क्या उनके पास क्या? Only one replication, ORI site, एक ही ORI site है। What about the humans? Humans के केस में क्या है? Human या फिर जो animals या फिर बोल दीजिए बड़े-बड़े eukaryotic one, उनके अंदर क्या मिलते हैं? बहुत सारे ORI मिलते हैं। Here is also one ORI is there. Here is also one ORI is there. Like that. Here is also one ORI is there. Okay. Means what? We have multiple kind of ORI site. हमारे पास क्या? Multiple kind of ORI site. यानी क्या? Multiple वो आ रहा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा है। सो व्हाट विल हैपन, जब भी रेप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, व्हाट हैपेंस, इट लुक लाइक दिस, इस तरीके से दिखेगा, हेरिजन ओवर आए, हेरिजन ओवर आए, हेरिजन ओवर आए, ठीक है। जब भी मतलब डीएनए आएंगे और एंजाइम आएंगे क्या करेंगे, इस तरीके से बहुत सारे बबल्स फॉर्म करेंगे। ओके, तो समटाइम्स दिस काइंड ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको कई बार क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बबली डीएनए, इट इज कॉल्ड एज द बबली डीएनए। व्हाई? बिकॉज़ लॉट ऑफ बबल्स आर प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ यूकैरियोटिक, तो कई बार उसको बोलते बबली डीएनए, ये मजाक नहीं चल रहा, लेकिन इसको बबली डीएनए उसको बोलते। बट इट हियर इज व्हाट, हियर इज अ सिंगल बबल इज देयर इन टर्म्स ऑफ प्रोकैरियोटिक। ओके, चलिए क्या हो गया, सबका आवाज सुनाई दे रहा है मेरा, शायद मीटिंग एंड हो गया लग रहा है। यस ना, सो क्या हो गया फिर, मीटिंग ज्वाइन करने से पहले कनेक्शन फेल हो गया लग रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बबली डीएनए, ऐसा बोल सकते हैं, याद रखिए। दैट मीन्स prokaryotic have only one ORI set and eukaryotic have what? Many ORI set. Multiple ORI set उसके पास आपको पता होना चाहिए। चलिए, so now come to the point. Think about this bubbles. इस bubble को थोड़ा थोड़ा सोचेंगे। इसमें से एक bubble हमने लिया। This was the bubble and इसके बारे में थोड़ा सोच विचार करेंगे exactly क्या है। चलिए, it look like this. Generally ऐसा दिख सकता है। Bubble तो kind of ऐसे बनेगा ना? बनेगा तो थोड़ा ऐसा इस तरीके से बनेगा, right? So like that. चलो ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। तो देखिए ये एंटायर चीज को तो क्या बोल सकते हैं, इट्स अ बबल, क्या बोलेंगे उसको, रेप्लिकेशन बबल बोलेंगे इसको, इट्स अ रेप्लिकेशन बबल, राइट। बट थिंक अबाउट वन पॉइंट, इसमें से एक पॉइंट लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, फोकस यहाँ पे कीजिए, दिस पर्टिकुलर एरिया, ये जो पर्टिकुलर एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला स्पेसिफिकली, और ये भी एरिया देखिए, दिस पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पूरा इरेज कर दिया, लेकिन यहाँ देखिए इट लुक लाइक फोर्क, किसके तरह दिख रहा है, फोर्क मतलब कातरी, कैंची, पता है ना आपको, इस तरीके से दिख रहा है ऑलमोस्ट, इट लुक लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आगे इस तरीके से रहने वाला है। मैं यहाँ पे थोड़ा दिखाया नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए देखो यहाँ पे ऐसे ना, डीएनए इज इन अनवाइंडिंग फॉर्म, वाइंडिंग फॉर्म में है डीएनए, तो इट लुक लाइक दिस ओनली, इस तरीके से कंडीशन है, राइट, ऐसा ऐसे मिलेगा ना आपको, इस तरीके से कंडीशन मिलने वाला है, समझ में आ रहा है। तो इट लुक लाइक फोर्क, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया देखिए, थोड़ा जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। देखिए ये रहा फोर्क, कैंची की तरह दिखता है, लुक लाइक कैंची, है ना। तो ये जो एरिया है उसको क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज द, दिस एरिया इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फोर्क, राइट। सो नाउ पॉइंट इज दैट, सो व्हाट आई एम से,
वन बबल, एक बबल के अंदर, एक बबल के अंदर कितने रेप्लिकेशन फोर्क में, तो दो, एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है. सो वन बबल है टू रेप्लिकेशन फोर्क, आपको पता होना चाहिए. ओके, टिल नाउ व्हाट वी आर लर्न, अभी तक हमने क्या लर्न कर दिया भैया, लर्न ये कर दिया कि इस तरीके से हमें देखा था, क्या देखा था, थिंक अबाउट दिस पर्सन, इस पर्सन के बारे में सोचिए, पहले डीएनए, व्हाट इज पेरेंटल स्ट्रैंड, व्हाट इज द डॉटर स्ट्रैंड, और व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, व्हाट इज द टेम्पलेट स्ट्रैंड. ओके, इस तरीके से हमने इसको मतलब अंडरस्टैंड कर दिया. व्हाट इज ओल्ड, व्हाट इज न्यू, देन हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक के अंदर भी क्या होता है, मतलब व्हाट वी कैन, उसके अंदर भी क्या होता है, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दिखता है हमें, लेकिन उनके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितने रहते हैं. और एक चीज देखा हमने, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, मतलब जनरली रेप्लिकेशन कहाँ स्टार्ट होता है, जहाँ पे एटी रिच सिक्वेंस है. एटी रिच सिक्वेंस पे ही क्यों हो रहा है, बिकॉज देर देर इज एन वॉट, डबल बॉन्ड वाले लोग प्रेजेंट है. ए एंड टी में क्या मिलता है, हमें डबल बॉन्ड मिलता है, दैट्स व्हाई वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है. ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे देखा है, क्या देखा है, तो एटी रिच सिक्वेंस पे क्या होता है, डीएनए ए एंजाइम आते हैं, आते क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, दे सेपरेट द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दोनों के दोनों स्ट्रैंड को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे. इसी प्रकार क्या बोलते हैं, अनजिपिंग बोलते हैं, जहां पे हो रहा है उसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं. ये सेंटेंस नहीं है, साइंटिस्ट लोगों ने रखा हुआ नाम है, शॉर्ट में उसको ओआरआई साइट बोलते हैं. ओके, लाइक द बिगिंस, उसके बाद जो एंजाइम कर रहा है वो काम, उसको डीएनए एंजाइम बोलते हैं. इट इज कॉल्ड डीएनए, नॉट डीएनएस, डीएनए एंजाइम बोलते हैं. फिर हमने देखा इन प्रोकैरियोटिक देयर इज ओनली वन रेप्लिकेशन फोर्क, प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या मिलता है हमें, एक ही रेप्लिकेशन फोर्क मिलता है, यानी रेप्लिकेशन बबल मिलता है, या फिर ओआरआई साइट मिलता है, ऐसे बोल सकते हैं. लेकिन व्हाट आई वांट टू से द यूकेरियोट्स, देयर आर लॉट ऑफ व्हाट ओआरआई साइट, बिकॉज़ देयर डीएनए ऑफ यूकेरियोटिक इज नॉट वेरी लॉन्ग, अबाउट 2.2 मीटर. So it is not possible कि एक सिंगल इसमें पूरा का पूरा हो सकता है, that will not possible. In terms of bacteria में possible. Bacteria case में क्या होता है, दोनों साइड से होता है, इसी साइड से होता है, इस साइड से भी क्या होता है, replication start होता है, इस तरीके से. तो ये दोनों साइड से होगा, इस तरीके से ओपनिंग हो जाएगा पूरा का, ध्यान दीजिए मेरे हाथों की तरफ, दोनों साइड से होगा और क्या होगा, इस तरीके से खत्म हो जाएगी कहानी. तो ये बैक्टेरिया के केस में होता है, या फिर प्रोकैरियोटिक केस में होता है. ओके सर, इसके केस में होता है, इस केस में क्या होता है, दोनों साइड में होता है, एक साइड से नहीं होता, यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे भी होगा, इस केस में होगा. Like that it happens in the both the side, दोनों साइड से हो सकता है. ओके, चलिए आगे चलते हैं, दूसरे चीज पर फोकस करेंगे, ध्यान दीजिए. Now what happens in the next? अभी दूसरे दूसरे इसमें क्या होता है, उसके पर फोकस करेंगे. सब लोग पता करके ध्यान दीजिए. ओके, just one minute. Start meeting. चला गया शेयर में. मैंने just आपकी चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ. बट ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, दिखना तेरा मेरे को, मैं इसे यूज कर सकता हूँ. सो व्हाट इज द नेक्स्ट, सो नेक्स्ट प्लान क्या है सर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ, सब लोग ध्यान दीजिए व्हाट आई एम सेइंग. देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ फाइनली स्ट्रक्चर इस तरीके से बन गया था. क्या बन गया था, इस तरीके से स्ट्रक्चर अनजिप हो गया था, रेप्लिकेशन बबल फॉर्म हो गया था, टू रेप्लिकेशन फोर बन गए थे, एक इस साइड में, ठीक है. एंड दिस हैपन बिकॉज ऑफ व्हाट, वेरी स्पेशल काइंड ऑफ व्हाट, एंजाइम कॉल्ड एज व्हाट, DNA enzyme, right? इसको बोलते हैं DNA enzyme, बोलते हैं DNA enzyme, okay? He is doing what? Separating the strand, okay? चलिए, क्योंकि कुछ लोग पूछ सकते हैं सर कैसे separate होता है, उसके लिए मैंने इसको बता दिया भैया, इस तरह की separate को पता होना चाहिए. चलिए हो गया भैया, likewise. चलिए हो गया. Now there is a probability, क्या probability है? Both stand is complementary. दोनों के दोनों क्या stand complementary है? तो हो सकता है दोनों के दोनों stand चिपक जा सकते फिर से. Although separate तो कर दिया, but फिर से complementary है ना? Complementary मतलब देखिए, जिनको समझ नहीं आ रहा सब ध्यान दीजिए. Complementary का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिए. यहाँ पे अगर A है, यहाँ पे क्या रहेगा? T रहेगा. A और T में attraction रहता है, bonding form होता है ना? That means they are complementary. So it may happen both will come and togetherly bind. दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? Bind कर सकते हैं. That is a possibility. इसके अंदर एक possibility हो सकती है. So now point is that, so what should we do? हम क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं? नेचर ने क्या किया, देखिए नेचर ने क्या किया, इसके अंदर कुछ कुछ सिक्वेंस, मतलब कुछ कुछ प्रोटीन डाल दिया. यहाँ पे कुछ देखिए, एक स्टैंड पे इस तरीके से कुछ प्रोटीन अटैच कर दिए, ये वाले यहाँ पे कुछ प्रोटीन अटैच कर दे, ऊपर वाले स्टैंड पे भी क्या कर दे, कुछ प्रोटीन अटैच कर दे, लाइक दैट. इस तरीके से दे अटैच द प्रोटीन टू बोथ द स्टैंड. ओके चलिए, सो नाउ दिस प्रोटीन, इसकी वजह से क्या होगा, हालांकि जो नीचे ऊपर ए है, नीचे टी है ना, दोनों एक साथ आने की मतलब ऑब्वियसली बिटवीन हैपेंस, दे विल कम्स ऐसे नीचे की तरफ आ सकते हैं, बट आएंगे तो क्या है, बीच में क्या है, देयर इज एन ऑब्स्टेकल. बीच में क्या है, ऑब्स्टेकल आ रहा है ना, इस तरीके से ऊपर का स्टैंड, नीचे का स्टैंड, बीच में क्या ऑब्स्टेकल है. इज इट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस ऑब्स्टेकल, ऑल्दो दे वांट टू
अटेस्ट टू इच अदर बट दे आर नॉट एबल टू अटेस्ट टू इच अदर. दैट मीन्स वॉट, इसको बोलते हैं ये क्या करता है, मतलब जो उनका एनिलिंग है, एनिलिंग मतलब चिपकना है ना, या फिर रीनेचुरेशन, एनिलिंग बोलते हैं उसको, एनिलिंग करना, एनिलिंग मतलब रीएनिलिंग बोलते हैं, रीएनिलिंग मतलब फिर से चिपकना, ठीक है. सो ये हो सकता है बिकॉज ये हो नहीं रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन. एंड दिस प्रोटीन वर्डिंग ऐसे ऐसे बोल सकते क्या कर रहा है, कीप द स्ट्रैंड, सिंगल स्टैंड को सिंगल स्टैंड रहता है, डबल स्टैंड होने नहीं देता है. ओके, इसको बोलते हैं यस यस बी. व्हाट इज द फॉर्म ऑफ यस एस बी, नाम मैं डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ यस एस बी, क्यों, क्योंकि आपको लगेगा ये तो ये उसका ये है, मतलब सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं. उसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं इसको सिंगल स्टैंड बाइंडिंग तो सेंटेंस है, इसको ऐसा कैसे बोल गया. भैया देखो इसका मीनिंग ये है, ये साइंटिस्ट लोगों ने दिया है ताकि आपको मतलब ज्यादा टेंशन ना दे, ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन ही है, पता होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, एसएसबी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है. चलिए, दिस वाज द थिंग वन शुड नो. देयर इज वन मोर थिंग, एक और चीज हो सकता है, ये तो हो गया दोनों स्टैंड को एक साथ चिपकने नहीं देता. देयर इज अनदर थिंग वन शुड नो, देयर आर सम नॉटी फेलो, यहाँ कुछ नॉटी फेलो आ सकते हैं ना, देयर आर सम नॉटी फेलो, दे विल कम एंड दे विल कम एंड दे विल कट द डीएनए. डीएनए को क्या कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू कट कर सकते हैं डीएनए को, ठीक है. सो नाउ पॉइंट इज दैट व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, कट कर सकते हैं उनको बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियेजेस. क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियेजेस. ओके, तो ये न्यूक्लियेजेस को, क्योंकि डबल स्टैंड को कट करना मुश्किल है, लेकिन सिंगल स्टैंड को कट कर सकता फटाक से, मुश्किल है मतलब इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कर सकता. कुछ लोग सोचते कि मुश्किल है मतलब कर ही नहीं सकता, नहीं, मुश्किल है मतलब क्या, कर सकता है लेकिन सिंगल स्टैंड को फटाक से कर सकते हैं. बात के ऊपर ध्यान दीजिए, सेंटेंस अच्छे समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ, ठीक है. चलिए, सो व्हाट हैपेंस, सो दे प्रिवेंट, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है, इट प्रिवेंट व्हाट, टू कटिंग, कटिंग प्रिवेंट करवाता है. किसके द्वारा की जा सकती थी, न्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है. बात की ध्यान दीजिए, ठीक है. न्यूक्लियस मतलब व्हाट, ऐसे एंजाइम जो कि न्यूक्लियस को कट कर सकते हैं. न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है, डीएनए. डीएनए को क्या कर सकते हैं, डीएनए को कटिंग कर सकते हैं, इसलिए उनको न्यूक्लियेजेस बोला गया है. समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है समझ लीजिए, ठीक है, बहुत आसान करके बता रहा हूँ. चलिए आगे चलते हैं. सो दिस वाज अ थिंग डन हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब हो गए, ठीक है. चलिए, ओके, सो यहाँ तक हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, आगे चलते हैं. नाउ व्हाट विल हैपन, तो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम डील करेंगे. यहाँ तक तो सबको क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमने इसको अंडरस्टैंड किया था. ये तो ओके, सब नहीं आगे चला गया, क्या लग रहा है, शायद से आगे चला गया. ओके, नो प्रॉब्लम, एक ही साइड शायद से ऊपर नीचे हो गई थी, लेकिन उसको हो गया, चलिए ठीक है, नाइन फ्लैग ऊपर नीचे हो गई थी, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलो. सो नाउ यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर, क्या क्लियर हो गया हमें, किस तरीके से रेप्लिकेशन होता है, किस तरीके से मतलब स्टैंड को सेपरेट किया जाता है, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गो अहेड, अभी इसी चीज को हम ठीक से पढ़ेंगे. और नाउ देखिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बता सकता हूँ. तो एक तो ऊपर हो गया सर, क्या समझ में आ गया, हियर इज एंड व्हाट, डीएनए ए एंजाइम्स, राइट, यहाँ पे डीएनए एंजाइम्स है, दूसरे यहाँ पे है, और ये रहा यहाँ पे, एक हो गया, ठीक है, लाइक दैट. और बीच में क्या है सर, एसएसबी, हियर इज एन एसएसबी इज देयर, हियर है आपके एसएसबी. सब लोग सुनो, एसएस का मतलब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जिनको नहीं समझ में आ रहा सब सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये हो गया, लाइक दैट, यू कैन अंडरस्टैंड, कर लिया हमने अंडरस्टैंड. ओके, सो नाउ पॉइंट इज दैट, अभी तो क्लियर है सब कुछ आपको. ओके, सो देखिए दूसरा काम क्या भैया, दूसरा काम है यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, राइट, देयर आर सम हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर, राइट, यहाँ कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स है. ओके, सो व्हाट इज आवर सेकंड, मतलब हमारा दूसरा काम क्या है, कि ये जो बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड को क्या करना है, हमें तोड़ना है, राइट, वी आर सपोज टू ब्रेक दिस बॉन्ड. ओके, तो ब्रेक करने के लिए क्या होता है, हियर इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ पर्सन विल कम, यहाँ पे स्पेशल पर्सन आता है, ठीक है. सो मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ, like that we can say, so ये special person आएगा और क्या करेगा, यहाँ पे bonds को क्या करेगा, break करेगा, he break the hydrogen bond on the both side, एक side के नहीं, दोनों side पे क्या करेगा, bond को क्या करेगा, break करेगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है.
सो नाउ पॉइंट इज दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एंजाइम, इस एंजाइम का नाम क्या आपको पता होना चाहिए, चलिए देखते हैं। उसको बोलते हैं हेलिकेज एंजाइम, क्या बोलते हैं उसको, हेलिकेज एंजाइम। देखिए हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने से क्या हो जाएगा, अभी देखो खाली एक जगह तो खाली, ये देखो ये रेप्लिकेशन बबल जो था किसके वजह से होता, डीएनए एंजाइम की वजह से हो गया था, बट हाइड्रोजन बॉन्ड को फोड़ना पड़ेगा तभी तो वो जो अनवाइंडिंग है वो खुल जाएगी ना। अभी क्या कर रहे हैं हम, जो ऐसा चिपक के बैठा था उसको क्या कर रहे हैं, खोलने की कोशिश कर रहे हैं। सो अनवाइंडिंग पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट, हेलिकेज एंजाइम। ओके सही बात है, हेलिकेज एंजाइम को क्या करेगा, उसको पूरा का पूरा खुल जाए, खुलेगा। बट नाउ पॉइंट इज दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, वहां पे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए अभी देखिए ये चीज मैं पूछता हूँ सबको, ऐसे समझ में आएगा नहीं, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा एक रस्सी लाता हूँ क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया किसी को, मैं समझाने की कोशिश किया पहले बट वो फेल हो गया, तो क्या करना पड़ेगा थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा, तो इसको समझ में नहीं आया। ओके सब लोग हो या चले गए, ऑल आर प्रेजेंट और नॉट, हेलो है ना सबके सब लोग, ओके नो प्रॉब्लम, सब लोग ध्यान दीजिए। ओके चलिए ठीक है, देखो यहाँ पे देखो मान लीजिए डीएनए है इस तरीके से, ठीक है ये एंटायर डीएनए है, ओके और यहाँ ऐसा कॉइलिंग है, मान लो इस तरीके से कॉइलिंग है, ठीक है इस तरीके से, ओके और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मेरा, मैं बताता हूँ आपको, ये रहा डीएनए, ओके कॉइलिंग किया इसको मैंने, ये पूरा ऐसा था इसको कॉइल किया, ओके अभी देखो यहाँ पे कुछ, देखो यहाँ पे क्या है बबल फॉर्म है, यहाँ पे इस जगह पे बबल दिख रहा है, हियर इज एन बबल, ओके देखो नाउ इमेजिन यहाँ बबल है तो, और गायरेज एंजाइम आ गया, और गायरेज एंजाइम आके क्या कर रहा है, देखो ये जो वाइंड, ये जो ऐसा मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड थे ना यहाँ पे, उस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसे तोड़ेगा है ना, यहाँ पे इसे तोड़ेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये गायरेज एंजाइम क्या कर रहा है, इसको आगे आगे मतलब खींचने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा है यहाँ से, देखिए तोड़ते तोड़ता रहा है, तो मुझे बताया आगे साइड में, आगे के साइड में ज्यादा सुपर कॉइलिंग होगी नहीं होगी, मैंने इधर ध्यान देते सब लोग इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस जगह पे ध्यान दे, समझ में आ जाएगा व्हाट आई एम सेइंग। अगर मैंने क्या कर दिया इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेच कर दिया, किसके ऊपर, इस कॉइलिंग के ऊपर, अगर मैं ज्यादा ये मतलब ये कर रहा है तो आगे क्या होगा, आगे ये तोड़ रहा है ना, तोड़ रहा है, यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो सकता है नहीं हो सकता है, टाइट होगा नहीं होगा, टाइटनिंग होगी नहीं होगी वहां पे, होगी ना पक्का होगी, लाइक दैट, समझ में आ रहा है आपको, कितने लोगों को समझ में आ रहा है चीज,
आगे टाइटनिंग होगा ना, अगर गोल है तो वहां खींचने से क्या होगा और टाइट हो जाता है, सही है? कर नहीं पा रही, पता नहीं भगवान जाने, सब लोग हाँ बोलते हैं जबरदस्ती, क्या करूं समझ में नहीं आता कभी। जिनको नहीं समझ में आ रहा प्राइवेटली नहीं बोल दो यार, क्योंकि बाद में आप बोलते हाँ और बाद में बोलते कि नहीं समझ में आया, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है चलेगा, अभी नहीं आया तो बता देना है प्राइवेट को। सो इट विल बिकम व्हाट, टाइट, वो क्या बन जाता है, टाइट बन जाता है। और टाइट बन गया तो क्या हो गया, देखो ये तो सुपर कॉइलिंग हो गया, सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। अगर टाइट बन गया तो कैसे आगे का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट बन सकता है, काटना तो मुश्किल हो जाएगा उसको। सो तो बिकॉज ऑफ हेलिकेज एंजाइम ये काटते जा रहा है, काटते जा रहा है, और ये क्या होगा कॉइल और टाइट हो रहा है। यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा आगे बहुत क्या होगा टाइट होता जाएगा, एज सून एज वी कट आगे क्या होने वाला, टाइट होने वाला है। तो उसके लिए क्या कर दिया उन्होंने, एक स्पेशल यहाँ पे क्या कर दिया, सेल के अंदर एक रहता है स्पेशल एंजाइम। ओके तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, इसको हम नाम देते हैं। ओके इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, इसको वन नाम देंगे, ठीक है। दिस इज एन एंजाइम, ओके। दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज अ टोपो आइसोमरेजेस, टोपो आइसोमरेजेस। ये टोपो आइसोमरेजेस से टाइप्स है, मतलब ये इसके अंदर बहुत सारे टाइप है, इसके अंदर एक टाइप होता है उसका नाम है, उसको बोलते हैं गायरेज, गायरेज नाम का टाइप होता है उसके अंदर। तो देयर आर वेरियस टाइप्स, उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स, उसके में से एक टाइप होता है, मैंने कौन सा गायरेज टाइप होता है, ठीक है। सो व्हाट इज डन एग्जैक्टली, देखिए ध्यान रहता है, उसके पास कुछ कटर्स रहते हैं, ये होता है कटर्स, इस तरीके से कटर्स रहते हैं, शार्प ब्लेड्स रहते हैं, ठीक है। तो ब्लेड मतलब मैं बता रहा हूँ ये क्या रहता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियजेस, क्या रहते हैं उसके पास न्यूक्लियजेस, यानी डीएनए को कट करने वाले, या फिर निक फॉर्म करने वाले, निक मतलब थोड़ा सा कैंची मारने वाले, इस तरीके से। तो होता है क्या, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा वो निक फॉर्म करता है, देखिए निक फॉर्म कर दिया। देखिए अगर मान लीजिए ऐसा कुछ स्ट्रेच है, यहाँ पे ऐसा कुछ वायरिंग है, ठीक है, हमने इसे कट कर दिया, तो कट करने के बाद क्या कर सकते हो, जो निक है मान लीजिए कम्प्लीट वायर था इस तरीके से, और ये कम्प्लीट था, इसके आगे भी कम्प्लीट था, लेकिन यहाँ कटिंग कर देखो, ये कटिंग कर दिया यहाँ पे, देखिए ये कटिंग कर दिया। तो कट करने के बाद क्या कर सकते हैं, उसको जहां से कट किया वहां से ऐसा उसको जो एकदम ऐसा टाइटनिंग हो गया था, वो टाइटनिंग को ढीला कर सकते ना, ये कटिंग है ये, अगर मान लीजिए ये गोल है पूरा का पूरा, दिस इज नॉट कम्प्लीट गोल, दिखाई दे रहा है ये एंटायर गोल था, लेकिन उसको से मैंने कहीं से कट कर दिया, और ये पूरा का पूरा ऐसा ये था ना कॉइल था, और ज्यादा कॉइलिंग हो गया, लेकिन यहाँ से कट कर दिया, देखो यहाँ पे कटिंग हो गया, देखो यहाँ कटिंग हो गया, जहां से कटिंग हो गया तो ऐसा कर सकते हैं उसको, तो सुपर कॉइलिंग, तो उसको रिलैक्स कर सकते हैं, वी कैन रिलैक्स, बात समझ में आ रही है। तो होता है क्या, देखो ये कटिंग हो गया था, सुपर कॉइलिंग जो हुआ तो वो तो क्या हुई, तो उसको क्या कर सकते हैं, ये कटिंग के वजह से क्या कर सकते हैं, उसको फिर से जो अनवाइंड था, एक एक स्टैंड को लिया जाता है, और जो एक स्टैंड था क्या होता है, जो एकदम वाइंडिंग हो गई थी, वो सुपर कॉइलिंग हुई थी, तो फिर से क्या होता है रिलैक्स हो जाता है। सो और फिर तो टूट गया सर, अभी क्या होगा आगे, तो उसके हाथ में और एक बॉटल रहता है, देयर इज वन मोर बॉटल इन हिज हैंड, ओके, दैट बॉटल इज कॉल्ड एज अ ग्लू बॉटल, उसको क्या बोलेंगे ग्लू बॉटल, लेकिन ग्लू मतलब चिपकाने वाला, यानी क्या करता है फिर से इसको चिपकाता है, तो एंजाइम बोलते हैं उसको लाइगेज करता है, यानी टूट गया था यहाँ, देखिए ऐसा टूट गया था ना, चिपकाना है, तो चिपकाने के लिए क्या लगता है, एंजाइम लगता है, ऐसा चिपकाएगा, उस एंजाइम का नाम क्या है, चिपकाना मतलब लाइगेज करना, लाइगिंग करना, लाइगिंग करना मतलब चिपकाना, लैगिंग, ओके। सो तो एंजाइम का नाम है लाइगेज, क्या नाम है उसका, लाइगेज, उसके अंदर एंजाइम रहता है लाइगेज, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स थे उसको क्या करता है, चिपकाता फिर से, देन अगेन इट विल गेट वहां पे चिपक जाएगा, एंड दिस लाइक दिस व्हाट हैपन, फिर ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा मतलब वाइंड हो जाएगा, ओके okay. याद रखना दीज आर कॉल्ड एज टोपो आइसोमरेज, एंड उसका एग्जांपल क्या है, गायरेज, ओके। सो दैट्स ऑल फिनिश। तो कई बार व्हाट वी कैन से, इपिटोमेट्स नाम के कुछ 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 ड्रग्स है, जो कि ड्रग्स यूज करते हैं, कई बार क्या होता है कैंसर में क्या होता है, आपको पता है कैंसर में डीएनए रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है ना, और सेल फटाफट डिवाइड करते हैं, मतलब अनकंट्रोल वे में डिवाइड करते हैं, तो कई बार करते क्या है लोग, व्हाट दे आर डूइंग, देयर आर सम ड्रग्स, वो ड्रग्स क्या करते हैं यहाँ जाके चिपका देते हैं, ये जो सेकंड हैंड है, सेकंड हैंड को जाके ड्रग्स क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, तो डीएनए क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, डीएनए क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, लेकिन चिपकेगा नहीं। सो देयर आर सम ड्रग्स है ना, उनको बोलते हैं क्विनोनॉल, ओके, ड्रग्स के नाम से बहुत सारे इपिटेम्स वगैरह ड्रग्स के अलग अलग नाम है, ठीक है, मैं ऐसे बता रहा था, बस आपको पता होना चाहिए, बट ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं।
दिस वॉज अ थिंग, ताकि आपको समझ में आ जाए कितना इंपॉर्टेंट है आपका गायरेज एंजाइम इसलिए. ओके तो फाइनली व्हाट वी हैव, फाइनली हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास इस तरीके से कुछ चीज मिल गई जो कि इस तरीके से दिखती है. अच्छे से क्या हो गया, मतलब डीएनए अच्छे से मतलब रिलैक्स फॉर्म में मिल गया है ना, और अच्छे से मतलब प्रोसेस चल रहा है, ये कंटिन्यूस लेते रहता है. और अगर और ये हो गया, मान लीजिए व्हाट वी कैन से यहाँ पे और कॉइलिंग हो गया तो और आएगा है ना, और मतलब ऐसा कटिंग हाइड्रोजन बॉन्ड को करते करते आगे जाएगा. विच एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम. हेलिकेज एंजाइम आता है और बार बार क्या करता है, कटिंग करते हुए आगे जाता है. कॉइलिंग हो गया तो फिर से क्या आएगा, फिर से टोपोआइसोमर जाएगा. अगेन ही विल कम, अगेन ही विल यहाँ निक फॉर्म करेगा, फिर अनवाइंडिंग करेगा, रिलैक्स करेगा, फिर से क्या करेगा विद हेल्प ऑफ लाइगेज, फिर से क्या करेगा जुड़ेगा. ये प्रोसेस चलता रहेगा और फिर क्या होगा, पूरा का पूरा ये रेप्लिकेशन फोर्क बिकम बिगर एंड बिगर. चलिए यहाँ तक कितने लोगों को डाउट है पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम. आप जो भी डाउट है यू कैन आस्क फ्रेंकली, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं. यस प्लीज. एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, जिनको लग रहा है कि कैसे पूछे तो आप प्राइवेटली पूछ सकते हो, यू कैन आस्क प्राइवेटली. Those are doubt, they can ask any kind of doubt. Yes, please. कोई डाउट है किसी को प्राइवेटली सेंड कर सकते हो, सबके सामने पूछने का मन नहीं करता तो. Everything is clear, पक्का? चलो ठीक है सुमित. ओके ओके, सो मेनी डाउट्स आर देयर. ओके, बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं देखता हूँ सर प्लीज. ओके ओके, सम डाउट्स. स्मिथ का डाउट है सर, वो कैंसर के लिए कौन सा ड्रग लगता है वो जरा फिर से बताओ ना. ओके, फिर से बताता हूँ. So I will tell regarding the cancer. चलिए हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं लेकिन क्वेश्चन कर रहे हैं. ये जो लाइगेज है ना, लाइगेज, लाइगेज चिपकाता है तो चिपकाने का काम करता है, जो कटा हुआ डीएनए रहता है उसको चिपकाने का काम करता है. तो लाइगेज एंजाइम जो है, जो दूसरा हाथ है उस हाथ को वो ड्रग जाके ब्लॉक करता है. तो ब्लॉक करने से क्या होगा, वो अनवाइंड तो हो जाएगा, पूरा का पूरा अनवाइंड तो हो जाएगा, बट फिर से वो व्हाट यू कैन से डीएनए वहां से कट तो हो जाएगा लेकिन फिर से चिपकेगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस ड्रग्स. तो लाइक दैट यू कैन से, तो वो ड्रग्स वहां तक फिर से वो ड्रग्स क्या करता है, उसको रोकता है, इसलिए क्या होगा फिर से चिपकेगा नहीं. उसको क्विनिनॉल बोलते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने ऐसे ही बताया था ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए. सुमित तुम्हारा डाउट क्लियर है? ओके, तुम्हारा डाउट क्लियर, गुड, वेरी नाइस. चलिए उसके बाद देखते हैं, डाउट क्लियर है तुम्हारा सुमित? यस बोल दो, नहीं तो फिर से बता दो, कोई दिक्कत नहीं. ओके क्लियर. दूसरा है वैष्णव का डाउट है सर, वो ओकेजे के फ्रेगमेंट सिर्फ यूकैरियोटिक में होते हैं या प्रोकैरियोटिक? दोनों में होते हैं, अभी तक हमने ओकेजे के फ्रेगमेंट के बारे में देखा नहीं. रेप्लिकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, रेप्लिकेशन का हाफ पार्ट हो गया, ठीक है. इन बोथ, दोनों के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है. अभी तक हमने रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं किया, ठीक है. योग साक्षी सर, 8 नंबर के स्लाइड को लिखना है. हाँ दिखता हूँ, देखने क्या लिखा. और कुंजी को रिपीट चाहिए. कुंजी तुम्हें कौन सा पार्ट नहीं समझा बताओ बेटा, मैं रिपीट करूंगा आपको, लिखकर उसमें से कौन सा पार्ट समझ बताओ. मतलब बेसिकली मेंशन करो, रिपीट अगर पूरा करना है तो अभी पॉसिबल नहीं है. हेलो, अभी हम जो पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक में पढ़ रहे हैं, मैंने यूकैरियोटिक की सॉरी यूकैरियोटिक के अंदर पढ़ रहे हैं. मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ छोटा सा बताया था प्रोकैरियोटिक के बारे में, एक ही चीज बताया था कि उसके अंदर मल्टीपल जगह पे क्या रहता है, ये रहता है रेप्लिकेशन बबल फॉर्म्स होते हैं, ये यूकैरियोटिक के लिए. बट जब बस बबल्स के केस में वहां सिंगल ओ आर है, यहाँ पे मल्टीपल ओ आर है, हाँ, लेकिन दोनों के अंदर प्रोसेस सेम है, देयर इज नो डिफरेंस. दोनों के अंदर एंजाइम, थोड़ा बहुत एंजाइम वैसे वर्क करता है, नाम अलग हो सकते हैं लेकिन प्रोसेस सेम है. नाम अलग हो सकते हैं एंजाइम के, थोड़ा बहुत
एंजाइम का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है लेकिन एग्जैक्टली प्रोसेस सेम रहता है, देयर इज नथिंग, नथिंग इज न्यू. ओके चलिए गुड. कुछ तुम्हारा डाउट क्या है क्या? ठीक है चलो ठीक है. अच्छा सर वो एसएसबी का फुल फॉर्म क्या है? एसएसबी का फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ, अभी लिखना है आप सबको. ठीक है चलिए सब लोग निकला स्टार्ट कर दीजिए फटाक से. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. और किसी का डाउट हो तो पूछ सकते जब लिखते समय, बाकी लोग लिखना स्टार्ट कर दो. दिस फर्स्ट वन लिखिए सबके सब लोग, टाइम गया तो गया चलेगा कोई दिक्कत नहीं. जैसे स्लाइड चेंज करना तो बोल दो, मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा. इज देयर एनी डाउट? किसी का और डाउट तो पूछ सकते हो यार, बोलो जो भी डाउट है. क्वेश्चन एक साक्षी का, क्वेश्चन एक साक्षी. एक बार रेप्लिकेशन होने के लिए कितने रेप्लिकेशन बबल होते हैं, मतलब कोई फिक्स नंबर है क्या? अच्छा देखो डीएनए 2.2 मीटर का है और इतने सारे बिलियन सॉप ये है उसके अंदर नाइट्रोजन बेस पेयर से, तो जितने जगह पे एटी रिच है उतने जगह पे रेप्लिकेशन बबल होगा. तो अभी तक मुझे बस कोई ऐसा एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है कि कितनी बार होता है, ठीक है नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक देखा मैंने. ठीक है चलिए स्लाइड होगा तो बताओ यार प्लीज, आपके लिए वेट कर रहा हूँ. स्लाइड लिख दिया सबने? चलिए दूसरा कीजिए.
हो गया सबका? स्लाइड हो गया सबका? बबल बबल बोलते हैं इसको, वन बबल।
वन बबल इज इक्वल टू टू रेप्लिकेशन फॉर। ओके चलिए तो आगे स्टार्ट कर सकते हैं। सबका हुआ होगा तो लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। नाउ हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है, उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। वी आर डिस्कसिंग पॉलीमराइजेशन। ओके, देखिए पॉलीमराइजेशन कैसे होता है वो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो डायग्राम थोड़ा याद रखिए। कौन सा वाला जो मैंने बताया था, वो डॉल निकाल लेते ना, उसको थोड़ा मेमोराइज कीजिए, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए, वो थोड़ा समझने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, लाइक दैट। तो दिस इज द डॉल। ओके, इसके एक साइड में क्या था आपका, OH था, और यहाँ पे क्या था, फॉस्फरस था। तो ये 5' एंड और क्या है 3' एंड, इस तरीके से इट विल बिकम वेरी हेल्पफुल फॉर अस। और इधर नाइट्रोजन बेस लगा सकते हैं, कोई भी एडिनिन गुआनिन जो भी। चलिए, सो लेट्स गो अहेड। सो दिस इज आवर डीएनए स्ट्रैंड, ये रहा आपका डीएनए का स्ट्रैंड। इमेजिन करो, दिस इज आवर डीएनए स्ट्रैंड इज देयर, लुक लाइक दिस, एंड व्हाट वी कैन से। तो चलिए, ये रहा डीएनए का स्ट्रैंड। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस, सब लोग ध्यान दीजिए क्या होगा अभी। देखिए, सो व्हाट वी कैन से हियर, अभी यहाँ पे देखिए, अगर मैंने इस तरीके से कर सकते, ये आपका 3' एंड, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर लूंगा, इस तरीके से डॉल अरेंज कर। डॉल मतलब क्या, इट्स अ स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रेच है बोल सकते हैं, तो स्ट्रेच ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइट, इस तरीके से। और ये ऐसा है तो यहाँ पे क्या आएगा, विच एंड इज वेलकम, यहाँ पे कौन सा एंड आएगा, यहाँ पे देयर इज अ 3' आएगा ना, यहाँ पे 3' आएगा, और सामने की तरफ क्या आएगा 5', उसका उल्टा नीचे की तरफ आएगा, राइट, यहाँ ऐसे आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, इस तरीके से मैं अरेंज कर लूंगा, आई विल अरेंज लाइक दिस। सो व्हाई आई एम अरेंजिंग दिस, आपको बाद में समझ में आ जाएगा ऐसे क्यों सर अरेंज कर रहे भैया। चलो देखिए, ओके, सो लेट्स गो अहेड, देखते आगे। देखिए इसके पास नाइट्रोजन बेस मिलेगा आपको, यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नाइट्रोजन बेस है, मान लो ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी है, सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सी तो सी, ए जी लाइक दैट। तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ ए था तो यहाँ पे क्या मिलेगा, टी मिलेगा, क्योंकि हमने इसको सेपरेट कर दिया ना हमने, यहाँ पे जी मिलेगा, यहाँ पे फिर से आगे जी, यहाँ पे टी मिलेगा। ओके ओके सॉरी, यहाँ पे टी और यहाँ पे क्या मिलेगा, सी मिलेगा।
ओके हो सकता ऊपर नीचे होगा लेकिन काइंड ऑफ ऐसा हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके दिस वाज द स्टैंड वन शुड, ये चीज पता होना चाहिए. ओके चलो तो अभी देखिए, एज यू नो यहाँ पे क्या आपका, देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एज व्हाट, हेलिकेज, नॉट गायरेज. गायरेज क्या करता है, इट्स अ टोपोइसोमेरेज, टाइप ऑफ टोपोइसोमेरेज, ये हेलिकेज एंजाइम. तो ये तो यहाँ पे जो ये था हाइड्रोजन बॉन्ड था उसको तो कंटिन्यूसली तोड़ रहा है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो यहाँ भी निकाल सकते हो, दिस स्ट्रेच जो यहाँ से बाहर निकला तो वो तो 3' बन जाएगा, ये 5' बन जाएगा इस तरीके से. और ये रहा आपका यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बिकम द डेफिनेटली विल बिकम द 5', ये बन जाएगा 3'. ओके चलिए, दिखाना मुश्किल है इसलिए मैंने इधर दिखा दिया. उसका अपोजिट क्या आएगा फिर, इधर इधर हेड इस साइड में था ना, इन दिस साइड हेड इज देयर, तो यहाँ पे क्या आएगा 5', और यहाँ पे क्या आएगा 3'. चलिए थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, मैंने अलग से दिखा दो कलर में. तो होता है क्या, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो होता है इस तरीके से, कभी भी देखो कभी भी ऐसा डायरेक्टली रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता, नेवर एवर. कभी भी स्टार्ट मतलब रेप्लिकेशन मींस व्हाट, नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डायरेक्टली नहीं बनता है. देयर इज अ नीड ऑफ सम स्ट्रेच ऑफ स्ट्रैंड, कुछ सेट ऑफ स्ट्रैंड लगता है. जैसे देखिए मैं बता सकता हूँ क्या लगता है, देयर इज एन एंजाइम, यहाँ पे एंजाइम रहता है. दिस एंजाइम इज नेम्ड एज व्हाट, आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज, there are different kind of RNA polymerase, but it's very simple RNA polymerase. Obviously, उसको हम क्या बोल सकते हैं, RNA polymerase DNA dependent RNA polymerase, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, ध्यान दीजिए. तो होता है कि देखिए, पहले RNA polymerase आता है और आके क्या करता है, यहाँ पे छोटा सा RNA का स्ट्रेच बनाता है. देखिए कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड के लिए मैं कलर का इसको यूज कर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे he will come here. अभी यहाँ पे लाना मुश्किल, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा, आएगा. उसके पास दो हाथ रहते हैं, एक हाथ में क्या क्या कैरी कर रहा है, ही इज कैरिंग व्हाट, ही इज कैरिंग द व्हाट यू कैन से यूटीपी, है ना, सीटीपी, जीटीपी एंड एटीपी, लाइक दैट. उसके हाथ में ये सारे न्यूक्लियोटाइड है एक इस केस में, ठीक है, लाइक दैट. तो यहाँ आके चिपकाएगा. ओके अभी क्वेश्चन तुरंत मत करना, ऐसा क्यों है, ठीक है, सब लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लास्ट में करना है. अभी जैसे क्या वैसे क्वेश्चन करना. ओके सो ही विल कम, और चलो ठीक है मैं थोड़ा यहाँ छोटा सा उसको स्वरूप दिखाता हूँ. ये रहा आपका आरएनए पॉलीमरेज, ये रहा. ओके इसके हाथ में एक थैली है, थैली के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स है. ओके ये क्या करेगा, यहाँ पे चिपकाएगा, किस दिशा में चिपकाएगा, देखिए ये भी आरएनए पॉलीमरेज भी किस दिशा में वर्क करता है, 5' to 3' में वर्क करता है. समझ में आ रहा है, ही इज आल्सो वर्किंग इन द 5' to 3', मतलब कहाँ क्या आएगा, यहीं पे आएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे तो मुंडी कैसे होगा, देखो उसको. चलो ये इसका मुंडी इस साइड में, मतलब यहाँ पे क्या रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है 5', तो कैसे करेगा, इस साइड में 5' आएगा. यहाँ पे क्या करके चिपकाएगा, यहाँ जो भी था, अब यहाँ पे यहाँ तो इस तरीके से kind of, he create a small stretch. यहाँ पे क्या करेगा, छोटा सा क्या करेगा, स्मॉल स्ट्रेच बनाएगा, बहुत छोटा स्ट्रेच बनाता है. मैं काफी लंबा बना रहा हूँ, बस छोटा सा बनाता है इस तरीके से. और यहाँ पे ए था तो यहाँ टी आएगा, मान लो ना टी नहीं यू आएगा, यहाँ पे सी था यहाँ पर जी आएगा, फिर यहाँ पे सी था यहाँ फिर से जी आएगा इस तरीके से. तो कहाँ से कहाँ बन रहा है स्ट्रैंड, किस दिशा में बना रहा है, इज क्रिएटिंग द स्ट्रैंड, क्रिएटिंग द स्ट्रैंड In which direction? Like that we can say. इस दिशा में क्या कर रहे हैं, स्टैंड बना रहे हैं. ओके सो दिस वॉज द स्टैंड. और यहाँ पे कहाँ से कहाँ बना रहे हैं भैया, यहाँ पे क्या रहेगा आपको, चलो ये भैया 5' to 3' दिशा में क्या बन रहा है, स्टैंड बना रहे हैं. ओके एंड दिस स्मॉल स्ट्रेच, है ना, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए का छोटा सा स्ट्रेच, ऐसा होता है, इट हैपेंस. ओके वेट इन द पॉइंट, तो उसको आरएनए प्राइमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आरएनए प्राइमर, छोटा सा स्ट्रेच है ना, उसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर. अभी सब लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इधर क्यों चिपकाया, इधर क्यों चिपकाया, इधर क्यों चिपकाया, इधर क्यों चिपकाया. कुछ लोग बोल रहे अभी टाइप करके सेंड कर दो, लास्ट में क्यों सेंड करो, ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए. इट्स लाइक इंजिन, इट्स लाइक इंजिन. अभी ये मॉलिकुलर बायोलॉजी का लैंग्वेज है, अभी इसमें ज्यादा लॉजिक मत लगा. इट्स लाइक इंजिन, समझ में आ रहा है. सपोज इमेजिन करो, ध्यान दो, ये पेन है, पेन को मुझे क्या करना है, किसी इस इसके साथ हैंड के साथ क्या करना है, पैरेलल रखना है. तो पैरेलल रखने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, हाथ यूज कर रहा हूँ, देखिए, या फिर क्या करूँ, छोटा सा, देखो ये छोटा सा ये कुछ स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ, देखिए इस तरीके से, तो क्या हो गया, पैरेलल हो गया, समझ में आ रहा है. अदरवाइज मतलब कुछ तो पहले सपोर्ट चाहिए, देयर मस्ट बी वन सपोर्ट काइंड ऑफ, तो उसके अलावा वो चिपक सकता है क्या, नहीं चिपक सकता है, मतलब ऐसा पैरेलल नहीं हो सकता. सो डायरेक्टली अभी आके ऐसा कभी नहीं होगा, इट विल नेवर हैपन कि देयर इज सम सपोर्ट, पहले कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए. ओके तो अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इस तरीके से आके वो चिपकेगा. अभी आप बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है सर, आरएनए भी तो चिपक रहा है सर, ही सर आरएनए आरएनए को लिए भी सपोर्ट, आरएनए प्राइमर भी चिपक रहा है, उसके लिए भी सपोर्ट चाहिए, है ना, ऐसा कुछ साइंटिस्ट की मत करना,
साइंटिस्ट लोग अभी तक बता नहीं पाए एग्जैक्टली उसका फंक्शन ठीक से, कुछ बता नहीं पाए तो कोशिश कर रहे एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन अभी तक क्या बोलते हैं मॉलिकुलर बायोलॉजी के बुक्स में क्या लिखा है, इट्स अ मॉलिकुलर इंजन, इट्स जस्ट लाइक इंजन सपोर्ट के लिए ऐसा मतलब दिस इज व्हाट, ये जो दिख रहा है आपको आरएनए प्राइमर है, देयर आरएनए प्राइमर, ये रहा आपका डीएनए का स्ट्रैंड, ध्यान दीजिए दिस इज व्हाट डीएनए स्ट्रैंड इज देयर, तो यहां पे आरएनए प्राइमर चिपकेगा आके, चिपक गया, सो दैट व्हाट विल हैपन, जो आपका डीएनए है डीएनए का स्ट्रैंड भी क्या हो सके बाद में आके क्या हो सके यहां पे आके अच्छे से चिपक सके, दैट्स ऑल, तो ये रहा डीएनए का स्ट्रैंड, ये रहा सॉरी ये रहा आरएनए का स्ट्रैंड ब्लैक वाला, ये रहा डीएनए का स्ट्रैंड, लाइक दिस वी कैन अंडरस्टैंड, ऐसा हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके चलिए, तो लाइक दैट स्मॉल स्ट्रेच ऑफ, इसको ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड क्या है आपको आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में डाल सकते हो, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड मींस व्हाट, 1 to 9 का स्ट्रेच, छोटा सा स्ट्रेच रहता है वहां जाकर क्या होता है बाइंड करता है, सो दैट बाद में डीएनए के जो क्या बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड आके क्या हो सके ज्वाइन कर सके, ओके ये चीज कितने लोगों को समझ में आया बताइए, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, अब ये मत बोलना कि सर डांटेंगे, जो पूछना है पूछो, मैं रिलैक्स माइंड में पूछूं, कुछ डाउट है आपका यू कैन आस्क नो प्रॉब्लम, any research doubt, technical doubt, scientific doubt, you can ask, no problem. जो पूछना है पूछो. Yes, please. Clear है तो clear बोलो, doubt है तो doubt पूछ सकते, कोई problem नहीं. या फिर कुछ समझ में नहीं आया sir, RNA primer बताओ ना. अच्छा, RNA primer बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. Okay. I will tell. RNA primer क्या है? Simple चीज़ है यार. मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ इस चीज़ को. ये जो डॉल निकला चांद पूछ निकला कि ताकि पता चले डायरेक्शन क्या है, तो देखिए यहाँ तो 3 डैश है और यहाँ पे क्या है 5 डैश, फिर से बता रहा हूँ सब लोग ध्यान देगा, 3 डैश यहाँ पे क्या आएगा 5 डैश आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 डैश आएगा, वेरी सिंपल, ओके अभी सब लोग ध्यान दीजिए, तो डायरेक्टली यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड नहीं बनता, आप बोलोगे सर डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाओ ना, ऐसे डायरेक्टली मेक द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड काम खत्म ऐसा बनाओ, ऐसा नहीं होता है, दैट विल नेवर योर हैपन, साइंटिस्ट लोग मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, छोटा सा यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे सिक्वेंस है बोलो, यहाँ पे मान लो मैं सिक्वेंस लिख देता हूँ, यहाँ पे देयर मस्ट बी वन सिक्वेंस लाइक दैट, यहाँ पे ए टी जी सी सी ए टी जी जी सी सी ऐसा कुछ सीक्वेंस है, मान लीजिए जस्ट इमेजिन करो देयर इज एन सीक्वेंस, ओके सो व्हाट हैपेंस सी देयर इज एन एंजाइम, वो एंजाइम है ठीक है, ऑफ कोर्स देयर इज एन एंजाइम एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज द आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज ठीक है, उसको आरएनए पॉलीमरेज बनेंगे ठीक है, वो करता है क्या है इस जगह पे छोटा सा आता है यहाँ पे, ही विल कम हियर आ गया ठीक है, यहाँ पे आ गया, चलो नीचे की तरफ आ गया साइड से कोई दिक्कत नहीं, ही विल कम हियर यहाँ पे आ गया, इमेजिन करो ही विल कम हियर, ओके मैं उसके हाथ में दो थैली है, एक थैली मान लो क्या थैली है, थैली के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स है, क्या क्या न्यूक्लियोटाइड्स है थैली के अंदर, यूटीपी जीटीपी राइट, इसके बाद क्या है जो आरएनए बनाने के लगता है वो सब कुछ, आरएनए बनाने के लिए क्या क्या लगता है एटीपी सॉरी एटीपी लगता है ना, एटीपी यूटीपी जीटीपी एंड सीटीपी, ये आरएनए बनाने के लिए लगता है आपको पता है ठीक है, दिस थिंग्स आर देयर इसके हाथ में ठीक है, ओके तो आके क्या करेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है यू है, तो यहाँ आके चिपका देता है इस तरीके से, टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहता है ए रहता है, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी रहता है, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी रहता है, इस तरीके से क्या करेगा छोटा सा स्ट्रेच बनेगा लाइक दैट वी कैन सी, सो ही क्रिएट्स द वेरी स्मॉल स्ट्रेच, ओके यहाँ जी है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो ये जो है ना स्मॉल स्ट्रेच उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग स्मॉल स्ट्रेच को बोलते हैं आर एन ए प्राइमर बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज आर एन ए प्राइमर, Now see, RNA जो polymerase है किस दिशा में वर्क करता है, इट वर्क फ्रॉम यहाँ 3 है, यहाँ पे क्या आएगा सर यहाँ पे 5 डैश आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 डैश आएगा, सो ही वर्किंग इन विच डायरेक्शन 5' to 3', तो यानी पॉलीमराइजेशन किस डायरेक्शन में करता है 5' to 3', सो इसका दो प्रॉपर्टी है, ही क्रिएट व्हाट, ही क्रिएट अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ
आरएनए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम आरएनए प्राइमर बोलेंगे. ओके दैट्स ऑल, इतना तो क्लियर हो गया, ये तो समझ में आना चाहिए आपको. इफ यू हैव अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए उसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर. और उसके अंदर ज्यादा सिक्वेंसिंग नहीं रहता, छोटा रहता है, इसलिए कई बार क्या बोलते हैं, इट्स ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड. ऑलिगो का मतलब क्या है, आपने केमिस्ट्री के अंदर सुना होगा, एक रहता है पॉलीमर्स एंड एक रहते ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स. ओके, यानी एक से लेकर नौ तक इतना छोटा रह सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं रहता. ओके, दिस थिंग इज देयर, क्लियर है. तो ये रहा आपका आरएनए प्राइमर. ओके दैट्स ऑल. तो ये रहा, ये उसको, और ये किस दिशा में वर्क कर रहा है, इट वर्किंग इन व्हाट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जस्ट लाइक व्हाट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की तरह क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, दैट्स ऑल. और इसका काम क्या है, आगे क्या बनने वाला है, आगे डीएनए का स्ट्रैंड बनने वाला है, अभी तक बनाया नहीं हमने, बनने वाला है, ठीक है. फ्रॉम हियर सपोज टू मेक द डीएनए स्ट्रैंड, यहां आगे डीएनए स्ट्रैंड बनने वाला है. तो उसके सपोर्ट के लिए इट्स लाइक व्हाट, इट्स लाइक इंजिन बोलते हैं उसको, इट्स लाइक इंजिन, इट्स लाइक सपोर्टर, इस तरीके से. ओके, टिल नाउ देयर इज नो क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द आरएनए प्राइमर इन द साइंटिफिक वर्ल्ड, उतना है हल्का फुल्का, लेकिन फ्यूचर में और उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक. सो अभी बोला था इट्स लाइक इंजिन, उसको अटैचमेंट के लिए क्या करता है, हेल्प करता है. ओके, नाउ इट इज क्लियर वैष्णव. चलिए बाकी लोग को सबको क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आई विल गो अहेड. सर फिर से वो एसएसबी का एसएसबी है ना वहां पे, सर आरएनए पॉलीमरेज वेरियस टाइप के है क्या? यस, आरएनए पॉलीमरेज वेरियस टाइप के है ना सर, हमने देखा आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन हम इसकी बैक बात कर रहे हैं. ये स्पेसिफिकली ये आरएनए पॉलीमरेज है. दिस आरएनए पॉलीमरेज इज मेंट फॉर व्हाट, क्रिएशन ऑफ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ, मतलब स्ट्रैंड, छोटा सा स्ट्रैंड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट बिग, स्मॉल. ऐसा नहीं कि पूरा बनाता है, देखिए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड बना रहा है, तो इट्स वन काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम व्हिच क्रिएट ओनली द स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए स्ट्रैंड, नॉट बिग. साक्षी कह रहे सर फिर से वो एसएसपी है ना, अच्छा अच्छा हाँ, सी गुड क्वेश्चन. तो सुने ध्यान दीजिए, जैसे जैसे क्या बोलते हैं डीएनए बनते जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जैसे जैसे बनते जाएगा, वैसे वैसे यहाँ जो एसएसबी रहता है, एसएसबी यहाँ से क्या होगा, चला जाएगा, एसएसबी यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा. समझ में आ रहा है, इट एज इट गो अहेड एसएसबी चला जाएगा, और जैसे जैसे मतलब प्रोसीड करेगा एसएसबी चला जाता है. अभी वहाँ पर मॉलिकुलर सिग्नलिंग होता है, वहाँ पे मॉलिकुलर सिग्नलिंग होता है, सिग्नल्स आते हैं उसको, वहाँ से एसएसबी तुरंत क्या होता है, भाग जाता है. ओके, दिस वॉज अ थिंग. ओके, any another question you can ask, yes please, आप और किसी को कुछ question है तो पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब पूछे नहीं पूछे, you can ask the question, definitely. any question till now, clear है सबको, तो मैं आगे जा सकता हूँ, आप अगर सब लोग clear बोलेंगे तो. जिनको क्लियर नहीं हो प्राइवेटली सेंड कर सकते कि सर समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको फिर से बता सकता हूँ यार. ओके ओके, चलो देखो क्या है ना, जो भी अभी क्लियर करो, क्योंकि मैं थोड़ा अपना समय दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा एक चीज आपको, अगर अब पता नहीं आपने फोबिया क्रिएट कर करके इस चीज को, हार्ड है हार्ड है हार्ड है हार्ड है, जेनेटिक्स बहुत हार्ड है, दैट शुड नॉट बी हैपन, ऐसा सोचना नहीं चाहिए. मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, ओनली 25 पीपल्स आर देयर, मोस्ट ऑफ पीपल लिव, एंड आई डोंट नो व्हाई ऐसा फोबिया क्यों क्रिएट किया, पता नहीं आप लोगों ने. इट्स वेरी, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आपने एकदम तलवार मतलब बना दिया उसको, इस चीज को वेरी इंटरेस्टिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो क्या करें अभी, मैं कुछ नहीं कर सकता इस केस में, इट्स अप टू यू. मैंने तो पहले बताया था बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैं इतना बता रहा था कि देखो इसमें थोड़ा अटेंशन ज़्यादा रखना पड़ता है, एकदम माइनूट चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है. सो ओनली बिकॉज ऑफ यूर इस तरीके से माइंड में बना के रखा है कि बहुत हार्ड है सर, बहुत हार्ड है, एवरीबॉडी इज सेइंग वेरी हार्ड वेरी हार्ड. उस दिन में सबको मैं पूछा कि क्या दिक्कत है, तो ऑलमोस्ट 75% पीपल आर सेइंग वेरी हार्ड सर. Why it is hard? मैं बोला interesting है. अभी
अभी मैं जितना कुछ बताऊंगा ना वो आपको हार्ड ही लगेगा, ठीक है? नाउ आपने माइंड के अंदर वो सेटिंग करके रखा है, क्या सेटिंग करके रखा है, ये हार्ड है, तो ईच एंड एवरी स्टेप बता रहा हूँ तो आपको क्या लग रहा है, अरे बाप रे ये नया चीज क्या है, यू आर फीलिंग लाइक दैट इट्स लाइक बर्डनसम, बड़ा पत्थर आपके बॉडी पर गिरा है, ऐसा समझ ऐसा लग रहा है आप सबको। मैं एक ही नहीं बात कर रहा हूँ, उस दिन मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहा था सबको, क्या बोलते हैं इवेंट बॉक्स क्या बोलते, जो भी उसके अंदर मैं सबको मैं भेज रहा था, बात कर रहा था, तो सब लोग ऑलमोस्ट 70-80% पीपल को बहुत हार्ड लग रहा था। सो व्हाई इट इज हार्ड आई डोंट नो, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा। अभी वो जितना बताऊंगा ना उतना आपको हार्ड हार्ड लगेगा, आपको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग मॉलिक्यूल्स कैसे वर्क कर रहे हैं बड़ा मजा आता है उसको देखने के लिए। अभी क्या करेंगे, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, इट्स योर मिस्टेक, आपको भुगतना पड़ेगा। ओके चलिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है, समय समय की बात है, होता रहता है ऐसे कभी कभार। चलिए अभी देखते हैं आगे क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, टिल नाउ व्हाट वी हैव। चलिए अभी हमारे पास क्या था, ये हमने देख लिया था, ठीक है, दिस वॉज द थिंग। आगे चलते आगे एक एक करके उसको अंडरस्टैंड करेंगे। चलो सो लेट्स गो अहेड, ये रहा आपका स्ट्रैंड। अभी होता है क्या, देखिए अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा ध्यान दीजिए सबके सब लोग। ओके ये रहा स्ट्रैंड, अभी सिर्फ समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं लास्ट में बताऊंगा, कुछ कुछ एंजाइम के नाम एक्स्ट्रा है उसको अभी नहीं डील करेंगे, नाउ वी विल नॉट डील, सम एक्स्ट्रा नेम्स आर देयर, ओके, बट अभी के लिए ध्यान दीजिए। सो एज यू नो अभी क्या, अभी तक क्या हो गया था सर, दिस वॉज द सिचुएशन, ओके लाइक दैट वी कैन से, सो सॉरी, जो यहाँ पे क्या था आपका थ्री डैश था ना, थ्री डैश, तो थ्री डैश किसके तरफ था, उसके वो डॉल के फुट की तरफ थ्री डैश था, ऊपर की तरफ क्या था, फाइव डैश था, तो डॉल का फुट दिखा सकते हैं, फुट मतलब पैर दिखा सकते हैं इस तरीके से, तो ये है आपके लाइक दैट वी कैन से, ओके इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर उसका निकाल दिया था, एंड हियर इज एन व्हाट, हियर इज एन स्मॉल स्ट्रेच ऑफ, यहाँ पे छोटा सा क्या हो गया हमें, ओके कलर क्या दिया था बाद में कंफर्म, कलर ये दिया था हमें, यहाँ पे हमने क्या बना, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ व्हाट वी कैन से आरएनए प्राइमर का स्ट्रेच बना दिया, हियर इज एन स्मॉल स्ट्रेच, कॉम्प्लीमेंट्री तो रहेगी, ओके दिस इज व्हाट, छोटा सा बन रहा था, तो ये कहा इसका डायरेक्शन क्या था, ये थ्री डैश है तो यहाँ पे क्या आएगा, फाइव डैश, हियर इज फाइव डैश, यहाँ पे क्या आएगा थ्री डैश, राइट, एंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है डेफिनेटली, तो ए एंड यू या फिर जी एंड सी एंड डी एंड ए लाइक दैट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, ओके लाइक दैट वी कैन से स्ट्रेच बन गया था, ओके तो दिस वाज द सिचुएशन वन शुड नो, ये सिचुएशन यहाँ पे बन गई, ठीक है, लाइक वाइज, ओके चलिए, इसको हम आरएनए प्राइमर बोलते हैं, ओके नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ इट्स अ टाइम फॉर व्हाट, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, अभी क्या आएगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, चलिए देखते हैं, हियर इज अ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ओके ये रहा आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ओके सो उसको बोलेंगे थ्री, डीएनए पॉलीमरेज थ्री, कौन सा एंजाइम रहता है, इट इज कॉल्ड एज अ डीएनए पॉलीमरेज थ्री, इसका नाम याद रखो, डीएनए पॉलीमरेज थ्री क्यू, ये स्पेसिफिकली यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूँ, डीएनए पॉलीमरेज थ्री रहता है हमारे अंदर, इंसानों के अंदर, ठीक है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग अलग पॉलीमरेज है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो पहला चीज याद रखो, डीएनए पॉलीमरेज थ्री इज ऑलवेज वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, इस दिशा में क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है, ये उसका पॉलीमराइजेशन करने का ये मतलब तरीका है। दूसरा चीज है उसके लिए जो रीड करने के लिए स्ट्रैंड लगता है, तो क्या लगेगा, थ्री डैश टू फाइव डैश रीडिंग करने के लिए लगेगा। एक और चीज करता है वो प्रूफ रीडिंग करता है, प्रूफ रीडिंग क्या है बताऊं, वो किस दिशा में करता है, इट ऑलवेज डूइंग इन द थ्री डैश टू फाइव डैश। अब ये तो पता है सर, क्या पता है आपको, वी नो वेरी वेल दिस इज पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन करने का तरीका ये है, टेम्पलेट स्ट्रैंड इस दिशा का लगता है और प्रूफ रीडिंग किस दिशा में करता है, थ्री डैश टू फाइव डैश में प्रूफ रीडिंग करता है, ओके अमेजिंगली व्हाट हैपेंस सी हियर, यहां पे क्या होता है देखिए, सो व्हाट आई एम सेइंग, ये रहा आपका पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ पे आ जाएगा, ही विल कम, यहीं पे आएगा, यहाँ पे आके क्या करेगा, ठीक, उसके पास भी क्या, उसके पास भी थैला है, लेकिन उस थैले के अंदर क्या प्रेजेंट है, एटीपी, टीटीपी, राइट, जीटीपी एंड सीटीपी प्रेजेंट है, ये रहेगा। अभी देखो यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, नीचे की तरफ टी लग जाएगा, सो लाइक दैट व्हाट विल हैपन, यहाँ हम ऐड कर सकते, तो ये रहा ग्रीन कलर, तो इस तरीके से क्या होगा, दिशा देखिए उसी दिशा में क्या करेगा, ए की जगह इधर क्या ऐड करेगा, टी ऐड करेगा, यहाँ सी है तो यहाँ क्या लगेगा, जी लगेगा, लाइकवाइज ये क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते जाते हैं, ही मेक द व्हाट, हिज स्ट्रैंड, इस तरीके से क्या करेगा, ये स्टैंड बना जाएगा, लाइक दैट ये स्टैंड आगे आगे बढ़ते जाएगा, लाइक दैट कैन से, तो इस तरीके से क्या हो गया, स्टैंड बन गया आगे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ये स्टैंड आगे आगे बनते जाएगा, ओके ही इज डूइंग वर्किंग लाइक एनीथिंग, ओके
उसका काम क्या है, रीडिंग किस दिशा में कर रहा है, स्टैंड को रीड किस दिशा में कर रहा है। देखें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ समझ में आ रहा था यहाँ बताता हूँ, बहुत सारे लोग स्ट्रक्चर नया दिख रहा है या फिर हम यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पे कहीं तो समझ सकते हैं, तब लोग ध्यान दीजिए, मैं फिर से बताता हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया, दे कैन पे अटेंशन अगेन, ये सब चल क्या रहा है तो कृपया करके ध्यान दीजिए। ये रहा, दिस वन इज देयर, चलिए सब लोग फिर से ध्यान दीजिए, नहीं समझ में पूछ लेना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आज बताने के लिए रेडी हूँ, हर एक चीज बताऊंगा, सिंपल सिंपल डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट क्लियर कर लो भाई इसको जो भी, ठीक है। हियर इज एन व्हाट, हियर इज एन स्मॉल स्ट्रेच ऑफ आरएनए, ओके। नाउ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बनते जा रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्चुअल डीएनए बनते जा रहे हैं, हियर इज एन व्हाट एक्चुअल डीएनए इज मेकिंग फ्रॉम हियर टू हियर, लाइक दैट वी कैन से, बन गया इस तरीके से, बन गया है ना, ये बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहां बताया था मैंने, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए है तो यहाँ टी लग रहा है, यहाँ पे जी है तो सी लग रहा है, इस तरीके से, और सी है तो जी लग रहा है ना, लग रहा है। तो ये आगे और नहीं बढ़ाना चाहता मैं, बस क्योंकि टाइम चला जाएगा हमारा बहुत सारा। तो ये कौन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है भैया, ये काम कर रहा है आपका पॉलीमरेज एंजाइम, विच पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 3। देखिए तो डीएनए पॉलीमरेज 3 किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, मैंने बोला था देखिए इधर की तरफ ये स्ट्रैंड कौन सा, दिस इज व्हाट 3', ये क्या है आपका 5'। तो स्ट्रैंड किस दिशा में बन रहा है, स्ट्रैंड बन रहा है 5'-3' दिशा में बन रहा है। तो उसका जो व्हाट वी कैन से, उसका जो पॉलीमराइजेशन करने का जो टाइप है, मतलब पॉलीमराइजेशन किस दिशा में कर रहा है 5-3'। पॉलीमराइजेशन मतलब बनाना, देखिए 5 से लेकर 3 तक डीएनए को बना रहा है, तो पॉलीमराइजेशन करना बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन करना, समझो समझो मेरी बात को, समझो मैं प्यार से बता रहा हूँ, उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है, ओके, ये हो गया। दूसरा चीज देखते हैं, वो कौन रीडिंग किसका कैसे कर रहे हैं, ओनली रीडिंग, देखिए रीडिंग, रीडिंग मतलब रीडिंग की दिशा में कर रहे हैं, देखिए 3'-5', मतलब उसको रीड करना पड़ेगा ना, इधर आंख है उसकी, देख उस आंख से देख रहा है ना, he's observing, लेकिन किस दिशा से देख रहा है, he's reading from 3-5, है ना, देखो देख रहे हैं ना ऊपर 3-5 देख रहे हैं, और रीड करते करते क्या कर रहे हैं 5-3 क्या कर रहे हैं, मतलब स्टैंड बना रहे हैं, समझ में आ रहा है, ऊपर देख रहा है 3-5 को देख रहा है, यानी रीड कर रहा है, रीडिंग इन व्हाट 3-5' है ना, ऐसा रीड कर रहे हैं, ओके, ये रहा। तो पॉलीमराइजेशन इस दिशा में कर रहा है, रीडिंग इस दिशा में कर रहा है ना, उसके लिए टेम्पलेट कौन सा चाहिए, वही जिसको रीड कर रहा है वो टेम्पलेट बन जाएगा ना, टेम्पलेट 3-5, मतलब टेम्पलेट मतलब रीड 3-5 कर रहे हैं, तो टेम्पलेट भी क्या होगा 3-5 होगा, टेम्पलेट मतलब जिसके ऊपर वो पॉलीमराइजेशन कर सकता है, किसके ऊपर कर सकता है 3-5' के ऊपर पॉलीमराइजेशन कर सकता है, उसको टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं, उसको टेम्पलेट स्टैंड बोलेंगे, उसी के ऊपर उसी को क्या कर रहा है, वो रीड कर पा रहा है, ओके, इस तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके। नाउ द पॉइंट इज दैट, उसको एक कांसेप्ट बताता हूं, प्रूफ रीडिंग, व्हाट एग्जैक्टली प्रूफ रीडिंग इज देयर, अब सब लोग ध्यान दो, प्रूफ रीडिंग क्या रहता है, सो प्रूफ रीडिंग इज दैट, देखो गलती से क्या होता है, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो गड़बड़ हो सकता है, क्या गड़बड़ हो सकता है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यू लगना चाहिए, क्योंकि सॉरी टी लगना चाहिए, गलती से क्या लगता है, जी लगता है, तो करते करते काम करते करते कहां तक गए, यहां तक गए, यहां तक गया ना, यहां तक, लेकिन उसको फिर से डाउट आता है, थोड़ा काम करते करते आगे जाता है, फिर से वापस आता है, क्योंकि गलती तो नहीं होता, गलती अगर एक की जगह क्या लग रहा है, जी लग गया, तो करेक्ट करके क्या करता है, उसको फिर से टी बनाता है, करेक्ट करके फिर से क्या करता है, टी बनाता है, इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग, समझ में आ रहा है। तो प्रूफ रीडिंग किस दिशा में कर रहे हैं, किस दिशा में प्रूफ रीडिंग कर रहा है बताइए, कोई बताएगा प्रूफ रीडिंग किस दिशा में कर रहे हैं, हाँ अरे बताओ आंसर कुछ तो बताओ, 5-3 कर रहे ना प्रूफ रीडिंग, इज रीडिंग इन द 5-3, समझ में आ रहा है, सो प्रूफ रीडिंग क्या कर रहे हैं 5-3 दिशा में कर रहे हैं, ओके, सो ही इज अ पॉलीमरेज एंजाइम, तो अकेला सब कुछ काम करता है, क्या करता है, प्रूफ रीडिंग करने का भी काम करता है, ही इज डूइंग द प्रूफ रीडिंग आल्सो, यानी चेकिंग करता है, पीछे आके चेकिंग करता है, कैसे आ रहा है प्रूफ रीडिंग, कैसे कर रहे हैं 5-3 की दिशा में, क्या करता है प्रूफ रीडिंग करने का काम करता है, 5-3 और 3-5, अच्छा अच्छा सही है, उल्टा आता है, उल्टा 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 के प्रूफ रीडिंग करता है, ओके, सो दैट्स ऑल, लाइक दैट, इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए ये हो गया, तो ये प्रूफ रीडिंग का काम हो गया, अभी होता है क्या, देखिए मजे की बात होता था, अभी सब लोग सुनिए, मैं ऐसे बताऊंगा तो समझ में आएगा, डॉल का कंसेप्ट किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं ऐसे बता दूंगा, अभी देखिए सबके सब लोग व्हाट आई एम सेइंग, सब लोग ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक, ये रहा, चलिए,
होता क्या, देखिए ऊपर का स्ट्रैंड बनते जा रहा है, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज था, स्ट्रैंड बनते गया, ओके लाइक दैट। जब ये स्ट्रैंड बन रहा है देखिए यहाँ तक बनते गया, तो बनेगा तो देखिए मुझे बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 3 है राइट, यहाँ पे क्या है 5 है, आगे यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, दिस सिचुएशन इज देयर। देखिए तो ये सेम जो पॉलीमरेज एंजाइम है, सेम पॉलीमरेज एंजाइम, दिस पॉलीमरेज एंजाइम, ये नीचे की तरफ भी स्टैंड बनाता है सेम ही। तो स्टैंड अभी देखो यहाँ यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो कहाँ यहाँ से बना सकता है क्या, नहीं, क्योंकि टेम्पलेट किस, टेम्पलेट क्या चाहिए, टेम्पलेट स्टार्ट फ्रॉम वेट 3 to 5, देखो 3 to 5 टेम्पलेट चाहिए, तो 3 to 5 कहाँ, यहाँ से यहाँ, तो वो क्या होता है फिर से आरएनए पॉलीमरेज आएगा और क्या करता है यहाँ पे छोटा सा स्ट्रेच बनाएगा, और सेम पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, ही विल कम हियर एंड ही मेक स्टैंड लाइक दिस, यहाँ से क्या करेगा वो स्टैंड बनेगा इस तरीके से, मेक द स्टैंड लाइक दिस, यहाँ से स्टैंड बनेगा, सही बात है। तो लाइक सब बनाते 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 यहाँ तक चला गया, टिल यहाँ तक चला गया, सही बात है, यू कैन से ओके। चलिए आगे चलते हैं, तो देन फाइनली व्हाट हैपेंस, फिर देखिए इधर गायरेज एंजाइम है, डीएनए गायरेज राइट, तो सॉरी डीएनए हेलिकेस, ये कट करेगा, कट करेगा तो क्या होगा देखिए, बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मजे की बताता हूँ, ध्यान दीजिए सबके सब लोग। सो व्हाट हैपेंस, कटिंग करते करते क्या होगा, बंदा आगे की तरफ चला गया, विल गो अहेड, तो आगे की तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो रेप्लिकेशन मतलब ये था, ये पूरा का पूरा खुल जाएगा ना, इट विल बिकम लाइक दिस, ये ओपन अप हो जाएगा पूरा का पूरा एरिया, ये एरिया ओपन हो गया इस तरीके से मान लीजिए, आगे नहीं एरिया ओपन हो गया ठीक, तो ओपन होगा तो क्या करना पड़ेगा, फिर से जो पॉलीमरेज काम करते करते कहाँ तक आया था, यहाँ तक आया था ना, ये सेम पॉलीमरेज है, ये कलर दिखाता हूँ, ये काम करते करते यहाँ तक आया था, ही विल कम हियर ओके, अगेन फिर से क्या करेगा, काम करते करते यहाँ तक आया था, फिर से क्या करना पड़ेगा उसको, फिर से इधर जाना पड़ेगा, और ये यहाँ कुछ फिर से आरएनए प्राइमरेज बनने की जरूरत नहीं, यहाँ बनते जाएगा ऑटोमेटिकली, इस तरीके से बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा बनते जाएगा लाइक दिस, एंड हियर इज व्हाट, फिर इस तरीके से ये है ठीक है, ठीक है बनते जा रहा है बनते जा रहा है, तब तक के लिए क्या हो रहा है, तब तक के लिए अपना मतलब काम कर रहा है, तो तब तक जब तक थोड़ा ज्यादा खुलता नहीं है तब तक फिर से क्या होता है, यहाँ फिर से इधर आरएनए प्राइमर लग जाता है, देखिए यहाँ फिर से आरएनए प्राइमर लगेगा, लग गया, फिर से वो सेम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ना, सेम डीएनए पॉलीमरेज आता है और फिर से क्या करता है, इस दिशा में उसको क्या करता है, ये करता है पूरा का पूरा स्टैंड बनेगा, इस दिशा में बना जाएगा बना जाएगा बना जाएगा, कहाँ तक बनेगा, यहाँ तक बनेगा, क्यों, देखो यहाँ कॉम्बिनेशन करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ आरएनए है और ये डीएनए है, तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ सकते क्या, नेवर एवर बाइंड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं करेंगे, तो बाइंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, बीच में क्या रहेगा, स्पेस रह जाएगा, देयर इज एन स्पेस, चले जाएंगे तो चला गया, क्या दिक्कत है, इसको करना पड़ेगा, चलिए आगे चलते, सो इट विल कट द स्ट्रैंड लाइक दिस, इस दिशा में क्या करेगा, कटिंग करेगा, तो फिर ये बीच में गैप रहता है क्योंकि यहाँ ज्वाइनिंग होता है ओके, सो लाइकवाइज प्रोसीजर चलते रहेगा इस तरीके से, दिस प्रोसीजर गोइंग ऑन लाइक दिस, इस तरीके से प्रोसीजर चलते रहेगी ओके, सो अगेन फिर क्या होगा देखिए, फिर से स्ट्रैंड मतलब कट होता जाएगा आगे, इट विल बिकम कट लाइक इस तरीके से कट होता जाएगा ओके, एंड लाइक इस तरीके से, तो ऊपर की तरफ बनते जाएगा, इन अपर पोजिशन इट विल मेक लाइक दिस, इस तरीके से बनते रहेगा इस तरीके से, और फिर से क्या हो जाएगा, फिर से नीचे की तरफ आएगा, नीचे इधर फिर से क्या आएगा, फिर से इधर एक छोटा सा स्ट्रेच आएगा पॉलीमरेज एंजाइम का, और अगेन फिर क्या होगा, नीचे की तरफ फिर से ये बनते जाएगा इस तरीके से, लेकिन बीच बीच में क्या रह रहा है, गैप रह रहा है, देखिए देयर इज अ गैप ऑलवेज, यहाँ पे बीच बीच में क्या मिल रहा है, गैप मिल रहा है, कहाँ का गैप मिल रहा है, गैप यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे गैप मिला है, दो तीन गैप मिल रहे हैं, तो ये जो गैप है उनको क्या बोलते हैं, डिस्क, ये ऊपर का स्टैंड क्या, इट्स अ कंटिन्यूअस स्टैंड, इट्स अ कंटिन्यूअस स्टैंड, और नीचे का स्टैंड क्या, इट्स अ डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, वन इज कंटिन्यूअस स्टैंड अनदर इज अ डिसकंटिन्यूअस स्टैंड, इस तरीके से होगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस स्टैंड है उसको क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज द ओकाजाकी फ्रैगमेंट, इट इज कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट में छोटा छोटा पोर्शन है, इधर एक फ्रैगमेंट है, यहाँ 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 पे एक फ्रैगमेंट बन गया, यहाँ पे एक फ्रैगमेंट बन गया,
उसको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओके दिस इज व्हाट ओकाजाकी फ्रैगमेंट, मतलब डीएनए का एक स्ट्रैंड कहां से लेकर कहां तक, 3' टू 5', ये स्ट्रैंड क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा, लेकिन 5' टू 3' वाला स्ट्रैंड क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूस रहेगा, ओनली बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि एक ही दिशा में क्या हो रहा है, मतलब होता है, मतलब पॉलीमराइजेशन की दिशा में होता है, 3' टू 3' की दिशा में क्या करता है, डीएनए क्या कर सकता है, डीएनए पॉलीमरेज वर्किंग कर सकता है, इसलिए ऊपर का क्या होता है कंटिन्यूस होता है, लेकिन नीचे का क्या होता है डिसकंटिन्यूस होता है, बिकॉज ऑफ दिस मैंने बोला था कि एक ही एंजाइम है उसको बार बार क्या करना पड़ता है, शिफ्टिंग करना पड़ता है, इसलिए क्या होता है उसको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो बाय द वे इस तरीके से पूरा बन जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल हैपन दिस, तो ये प्राइमर क्या होता है, थोड़ा प्राइमर को हटाने के लिए कुछ सेपरेट न्यूक्लियस रहते हैं, कुछ न्यूक्लियस एंजाइम आते हैं, उस प्राइमर को हटाते हैं और फिर से क्या होता है वहां पे फिर से कुछ न्यूक्लियोटाइड लगा देते हैं, फिर से देयर आर सम एंजाइम्स आर देयर, पॉलीमरेज एंजाइम्स आर देयर, उसको फिर से क्या करते हैं सील करते हैं, यानी होता क्या, देखिए मैं बताता हूँ, ये जितने सारे प्राइमर्स थे इसको हटाया जाता है, फिर से ये भी होगा ये भी होगा, इनको हटाया जाता है और फिर से कुछ डीएनए पॉलीमरेज रहते हैं, अभी कौन रहते हैं क्या रहते हैं उतना डिटेल में नहीं जाना, वो पूरा का पूरा क्या करते हैं फिर से इसको क्लोजअप करते हैं, दे क्लोजअप ऑन द थिंग, सबको यहाँ मिटा देंगे, ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ओके जो बीच बीच में गैप था वो कहते कि फ्रेगमेंट था, गैप रहता है, थोड़ा बहुत तो गैप रहेगा ही रहेगा, उसके लिए अलग से एंजाइम आता है लाइगेज एंजाइम, क्या बोलते हैं उसको लाइगेज एंजाइम, फिर क्या करेगा जहां जहां गैप था उस गैप को फिर से क्या करता हूँ फिर से सील करेगा, अगेन ही सील द ऑल द गैप्स, जितने सारे गैप्स थे सारे गैप क्या करेगा सील करेगा। ओके लाइकवाइज क्या हो गया आपका डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो गया कंप्लीट हो गया, एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, फाइनली वी आर गेटिंग व्हाट, टू सेपरेट स्ट्रैंड, हमें क्या मिलेगा दो अलग स्ट्रैंड मिलेंगे, लाइक दिस वी आर गेटिंग द टू सेपरेट स्ट्रैंड, इस तरीके से दो सेपरेट स्ट्रैंड मिल गए, दैट्स ऑल फिनिश, ये हो गया आपके डी हो गया, ये एक रहा डीएनए, ये एक रहा डीएनए, देयर आर टू डीएनए वी आर गेटिंग, दैट्स ऑल फिनिश। चलिए यहां तक सबको क्लियर है या फिर डाउट है पूछ सकते हैं, एनी डाउट यू कैन आस्क, कुछ डाउट तो पूछ सकते हैं, If you have any kind of doubt, you can ask. Yes, please. किसको doubt है? जबरदस्ती मत बोलो कि clear है। ये बाद में आप बोलते नहीं clear है। तो if you have any kind of doubt, अभी clear करो, मैं time देने के लिए ready हूँ। You have any kind of doubt, you can ask. Yes, please. कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो मुझे, क्लियर है सबको? ओके नो प्रॉब्लम, मुझे प्रूफ रीडिंग और रीडिंग और रीडिंग का बताओ, मेरा गिर गया था, अच्छा प्रूफ रीडिंग क्या रहता है, अच्छा सिंपल चीजें मैं बताता हूँ उसको, आसान भाषा में ऐसे बता सकते हो उसको, ये रहा डीएनए का स्ट्रेच, ये रहा आपका आरएनए प्राइमर, ठीक है, ये रहा आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, मेरा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ओके यहाँ पे 3' है, यहाँ पे 5' है, प्रूफ रीडिंग जिनको समझ में, सब बाकी लोग भी ध्यान दो उनको समझ नहीं आया, 3' रहा और यहाँ पे ऑब्वियसली 3' आएगा इस तरीके से। तो डीएनए क्या करता है, देखिए ऊपर सीक्वेंस है, यहाँ पे सीक्वेंस होगा ना, ए होगा, टी होगा, यू होगा, सॉरी यू नहीं, जी होगा, सी होगा, ए होगा, टी होगा, तो ऊपर सीक्वेंस को रीड कर रहे हैं, तो रीड करेगा कैसे करेगा, इस दिशा में रीड करेगा, तो उसको बोलते रीडिंग, इट इज कॉल्ड एज रीडिंग, रीडिंग की दिशा में कर रहे हैं 3' टू 5' दिशा में रीडिंग कर रहे हैं, उसको बोलते रीडिंग। ओके रीड करते करते क्या करेगा, स्टैंड बनाएगा, क्रिएट द स्टैंड लाइक दिस, बनाएगा स्टैंड है ना इस तरीके से, या फिर स्टैंड बना रहे, मान लीजिए रीड करते करते स्टैंड बना रहे, तो मेक द स्टैंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, चलो ठीक है, टी आएगा, टी आएगा, ए आएगा, यहाँ सी आएगा है ना, यहाँ टी आएगा, गलती से देखो यहाँ ए आना चाहिए था, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, मान लो यहाँ पे क्या आ गया, तो ये प्रूफ रीड करते करते ये क्या हो गया, डीएनए पॉलीमरेज आगे चला गया, थोड़ा आगे चला गया, देखिए मतलब रीडिंग करते करते, प्रूफ रीड नहीं, रीड करते करते आगे चला गया, यहाँ तक चला गया, ठीक है, और गलती से यहाँ टी की जगह ए आना चाहिए, तो यहाँ जी आ गया, तो उसके आंखें पीछे हट जाती है, वो आता है और आगे क्या करता है, जी है, तो यहाँ फिर से क्या करता है, करेक्शन करता है, और ये क्या लगाता है, ए लगाता है, उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। ओके तो ये प्रूफ रीडिंग वगैरह कौन सब कुछ करता है, दिस इज ऑल्सो डन बाय द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये भी कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम करता है, आपको पता होना चाहिए। ओके लाइक दैट यू कैन अंडरस्टैंड, इस तरीके से हम उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके नो प्रॉब्लम, चलिए लेट्स ऑल फिनिश।
में आ गया, वॉट एग्जैक्टली रीडिंग, नॉट एग्जैक्टली प्रूफ रीडिंग। अच्छा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, किस दिशा में प्रूफ रीडिंग करता है? देखिए तो हिज, अच्छा 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 रीडिंग इस दिशा में कर रहे हैं, 3-5 में कर रहे हैं, तो सेकंड स्टैंड पे कंटिन्यू स्टैंड बनेगा ना, इस स्टैंड पे सर रिप्लिकेशन दोनों स्टैंड पे एडिंग टाइमिंग से होता है तो कंप्लीट होता है। अरे बाप रे, क्या क्वेश्चन दिया, इतना लंबा क्वेश्चन, एक मिनट रुको पढ़ना पड़ेगा। ओके सर, बस एक मिनट रुको, तुम्हारा मैं क्वेश्चन नहीं करता, पहले जरा क्वेश्चन लिखता हूँ। सर वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड पे एडेनिन और थायमिन से हो जाता है। ओके कॉम्प्लीमेंट्री, तो सेकंड स्ट्रैंड पे कंटिन्यू स्ट्रैंड बनेगा ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड पे एडेनिन और थायमिन ज्यादा होगा, कॉम्प्लीमेंट सेकंड स्ट्रैंड। ललित, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड पे है ना, सुनो 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 सुनो, तो कहना क्या चाहते हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दोनों स्ट्रैंड पे नहीं है, उस पॉइंट को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं जहां पे मतलब ये हो रहा है, दैट दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बट कंटिन्यूस बन ही नहीं सकता, उसका रीजन मैंने बताया, देखो वैसा नहीं है, नेवर एवर बिकम द कंटिन्यूस, वो कंटिन्यूस नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेना। देखो ये एक ही पॉलीमरेज एंजाइम है, there is only one polymerase enzyme, वो आगे की तरफ जा रहा है बंदा, है ना, तो फिर से वापस आना पड़ता है, इसलिए ये करना पड़ता है, तो ऐसा मत समझो कि ऐसे कैसे बोल सकते हो origin of replication दोनों point, इतना area जो है ना, इतना उसको ORI side बोलते हैं, this was ORI side, लेकिन तुम logic क्या लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों stand के ऊपर दोनों stand continuous कैसे बन सकते हैं, how is it possible, question क्या है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है। सर वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो दोनों स्टैंड पे है, एडेनिन और थायमिन ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री, तो सेकंड स्टैंड पे कंटिन्यूस स्टैंड बनेगा ना। सर आप बोला कि एडेनिन और थायमिन के तो क्वेश्चंस ज्यादा है, हाँ ज्यादा है, तो ज्यादा है तो वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहीं लाएगा, दैट्स ऑल, लेकिन उसका कंटिन्यूस स्टैंड से और डिसकंटिन्यूस स्टैंड से मतलब क्या संबंध है, ऐसे कैसे हो सकता है, discontinuous बन रहा because of only one polymerase enzyme is there, वो एक ही दिशा में work करता है, है ना, वो कहाँ work कर रहा है, 5' to 3' stand बना रहा है, तो उधर जा रहा है, फिर से वापस आके उसको बनाना पड़ेगा, like that, तो इसलिए क्या है, वो बीच बीच में gap रह रहा है, that is the reason, so, और ये मत समझना कि मतलब, अच्छा, लेकिन जहां से origin हो गया, बार बार हमें मतलब DNA synthesis लगाने की जरूरत नहीं है, उसको काटते जा रहा है, कौन काटते जा रहा है, there is an what helicase enzyme, उस bond को काटते 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 आगे आगे की तरफ जा रहा है, तो आगे आगे की तरफ जाएगा तो फिर से हमें DNA enzyme वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, एक बार origin of replication बन गया, replication bubble form हो गया, तो चलते रहता है, फिर से कुछ ये करने की जरूरत नहीं है, तुम जो logic लगा रहे हो, logic मतलब ये नहीं लग रहा, suit नहीं कर रहा कि खाली adenine और thymine ज्यादा होगा तो वहां से replication bubble create हो सकता है, लेकिन उसका और continuous strand, second strand कैसे continuous बनेगा, दोनों स्टैंड कैसे कंटिन्यूस वैसे कुछ भी लॉजिक नहीं आ रहा है, ठीक है, देख देख सर आपको बाद में पूछता हूँ सर, ठीक है बाद में पूछूंगा, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या है, क्लास के अंदर पूछना, ठीक है जो भी है, क्योंकि टाइप कर रहे हो तो मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है चीज़, ठीक है सर, मुझे प्रूफ रीडिंग और रीडिंग बता दिया, उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन भी बता दिया आपको, 5-3 रहेगा डायरेक्शन, ठीक है चलिए, ओके सो लेट्स गो अहेड, माय लॉर्ड एक ही टाइम पे समित देवर कर, हेलिकेज के साथ डबल बबल भी क्रिएट हो सकता है क्या, मतलब कि आगे प्रोसेस के लिए, नहीं नहीं बबल एक ही बार बनता है, बार बार बबल नहीं बनता है, बबल एक ही बार बनता है ताकि वो वहां से सेपरेट करके एसएससी डाले, सी द पॉइंट इज दैट, सब लोग ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा था मैं, डोंट गेट कंफ्यूज, बबल एक ही बार बनेगा, रेप्लिकेशन बबल एक ही बार बनेगा,
बन गया। ठीक है सब लोग ध्यान दीजिए, एक ही बार बबल बनेगा, दूसरा बबल बन गया, बार बार बबल नहीं बनता है, नेवर एवर बबल क्रिएट अगेन एंड अगेन। यहाँ फिर खाली आपका हेलिक एंजाइम उसको तोड़ते तोड़ते जा रहा है क्योंकि, और तोड़ते जा रहा है क्योंकि, और फटाक यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलीमर एंजाइम अच्छे से वर्क करता रहा है, बार बार बबल बनने की जरूरत नहीं। ठीक है, इट विल गोस ऑन गोइंग ऑन गोइंग, सो बबल क्रिएट एट ओनली वन टाइम्स, एक ही बार बबल बनता है, बार बार बबल नहीं बनता है, नेवर एवर। ओके, और किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हो, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। क्लियर है सबको या फिर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और किसी को क्वेश्चन है तो करते हैं। सर मतलब फिर से लास्ट में हेलिकेज और पॉलीमरेज साथ वर्क करेगा, फिर से लास्ट में हेलिकेज और पॉलीमरेज साथ में वर्क करेगा, उससे साथ में कैसे वर्क करेगा? दोनों एक साथ वर्क करेंगे, मतलब हेलिकेज काटते जाएगा, पॉलीमरेज अपना पॉलीमराइजेशन करता रहेगा, ऐसे बोल सकते हैं। सही, गुड, ओके गुड। और कुछ प्रश्न है किसी का? ओके, प्रश्न आ रहा है, ओके चलो ठीक है। एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर यू कैन आस्क, होगा पूछो। सॉरी, ठीक है, ओके, सो लेट्स गो अहेड। सो वी विल ट्राई टू रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी, हम जस्ट एनसीईआरटी से एक बार रीड करेंगे। ठीक है, जस्ट वेट करो एक मिनट के लिए, मैं एनसीईआरटी से एक बार को रीड करा देता हूँ। जस्ट एक मिनट रुकिए, मैं इसको ओपन करके मैं पढ़ाता हूँ फिर से। सो बड़ा करता हूँ,
प्लीज सब लोग रुक जाओ, जाना मत, ठीक है, भागना मत कोई भी, ठीक है, बड़ी छोट ली हो मेरे से ये मिल नहीं रहता। जस्ट वन मिनट, ओके सबको शेयर हो गया, देखिए फाइल सबको शेयर हो गया, बताइए शेयर हो गया तो, यस प्लीज। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा दोहराता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, सब लोग को करके ध्यान दीजिए। ओके सो मेसेलसन एंड थाल का एक्सपेरिमेंट सबको क्लियर है? हाउ मेनी पीपल हैव द वेल आइडिया रिगार्डिंग द मेसेलसन थाल एक्सपेरिमेंट? सबको क्लियर है ना जो हमने लिया था मेसेलसन एंड थाल का एक्सपेरिमेंट? हेलो क्या हो गया, क्लियर है सबको? ओके नो प्रॉब्लम, सो इट इज क्लियर देन मैं इसको स्किप कर सकता हूँ, ठीक है, मैं आ गया आपके सामने। ओके सो चलिए सब लोग बोल रहे क्लियर है तो नो प्रॉब्लम, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, ये आपको क्लियर है तो नाउ कम टू दिस पॉइंट, यहाँ पे आ जाए सबके सब लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है उसको पढ़ के समझा दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग का रिक्वेस्ट था, तो एक बार समझा दो तो हो जाएगा, ठीक है, समझा दो तो कोई दिक्कत नहीं, सब लोग ध्यान दीजिए, और बीच में जो भी डाउट आया ना तो पूछ देना, जो भी जहाँ भी लग रहा है कि सर ये समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क फ्रेंकली, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन इसको क्लियर करो। The machinery and the enzymes, देखते हैं। In the living cell, such as E. coli, the process of replication requires a set of catalysts. Catalyst, देखिए, देखा हमने कितना जरा different variety of enzymes लगते हैं। एक से काम चलता है क्या नहीं? There's a need of different variety of enzyme. बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के क्या लगते हैं हमें enzyme लगते हैं। एक से बिल्कुल भी काम नहीं होता है। Okay. So the main enzyme is referred as the DNA-dependent DNA polymerase. जो कि क्या करते हैं? सीधा डीएनए को स्ट्रैंड को रीड करके नया स्ट्रैंड इसके ऊपर बना सकता है, दो अलग अलग नए स्ट्रैंड बना सकता है, लेकिन उस एंजाइम का नाम क्या दिया उन्होंने? दिस एंजाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो देखो सिंपल चीज है, ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो क्या करता है, डीएनए को एज अ टेम्पलेट बोल के यूज करता है, यूज द डीएनए एज अ टेम्पलेट, टेम्पलेट बोर्ड के यूज करेगा किस लिए, कि नया स्ट्रैंड, नया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड क्या कर सको, पॉलीमराइज कर सको। इसका मीनिंग ये है, सिंस इट यूजेस द डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। तो नया पॉलीमराइजेशन किस तरह कर रहे हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड यहाँ वर्ड यूज क्यों किया हमने, व्हाई आर यू यूजिंग दिस वर्ड, बिकॉज डीएनए जो है, डीएनए किससे बनता है, इट्स अ पॉलीमर ऑफ DNA, it's a polymer of, बहुत सारे पॉलीमर एक साथ आते, किसके पॉलीमर एक साथ आते, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। Why were using the deoxyribonucleotide? मैंने कल भी बताया था, क्यों बताया था भैया, कि भैया उसके सेकंड कार्बन पे खाली H रहता है ना, यहाँ से A मान लो, यहाँ पे क्या मान लो, फॉस्फोरस मान लो, दिस इज वॉट, एक ऑक्सीजन अब्सेंट है, तो ऐसे बहुत सारे डीऑक्सी राइबो सॉरी क्या हो गए बीच में, ऐसे बहुत सारे डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है ना, उनको हमें क्या करना है, इकट्ठा करना है, उसका पॉलीमर बना रहा है, तो ये ऐसे बहुत सारे पॉलीमर चिपका रहा है, कौन चिपका रहा है, हु इज द पर्सन, दिस पर्सन, इनका नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये चिपका रहा है, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से नया स्टैंड बन जाएगा, ये रहा पहले सेंटेंस का मीनिंग, ठीक है, प्यार से समझाया, नहीं समझाया तो बोल देना, मैं लास्ट बताऊंगा फिर से, ठीक है, अगर इसमें से कुछ लाइन समझ में नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, मुझे लास्ट में पूछना, डाउट पूछना, मैं सॉल्व कर दूंगा अभी, ठीक है। चलिए these enzymes, okay, किसी का डाउट है क्या, नहीं ना, चलो, these enzymes are highly efficient enzyme as they have catalyst polymerization at a large number of nucleotides in a short time. देखिए एंजाइम का पास एबिलिटी बहुत है, फटाफट क्या कर सकते हैं, मतलब आगे वाला एंजाइम क्या कर सकते, फटाफट क्या कर सकते, उसको पॉलीमराइज कर सकते, तो दे आर वेरी हाईली इफिशियंट, दे कैन क्रिएट द, मतलब फटाफट क्या कर सकते, उसको क्रिएट कर सकते हैं विद इन द शॉर्ट टाइम। जैसे उन्होंने बोला है E. coli that has only 4.6 10 to 6 base pairs. Compare with a human. Human ke paas diploid content ke tarah hota hai 6.6 10 to 9 base pairs content hota hai. So the complete
प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट, मतलब जो दो एक स्ट्रैंड था पहले है ना, देयर इज वन स्ट्रैंड, देयर इज वन स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड से दो स्ट्रैंड बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, इट रिक्वायर्ड ओनली द 18 मिनट, मतलब सिर्फ ये क्वेश्चन आ सकता है, पता होना चाहिए। तो 18 मिनट के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, नया स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। दैट मींस द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन टू पॉलीमराइज अप्रोक्सीमेटली 200 बेस 2000 बेस पेयर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में कितने 2000 बेस पेयर बना रहा है, कौन बना रहा है, दिस पॉलीमराइज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम, ठीक है। हम इंसानों की बात कर रहे थे, इंसानों के अंदर कौन सा मिलता है, पॉलीमराइज 3 एंजाइम है, वो क्या करता है, ये काम करता है, सुनो उस तरीके से वर्क, ये उसके बारे में फोकस करना है, ठीक है, बाकी चीजों के बारे में ज्यादा फोकस नहीं करना है, नीट के अंदर इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चलिए ये हो गया। चलो सो ओके, नॉट ओनली टू दिस पॉलीमराइज हैव द टू बी फास्ट बट दे हैव वास्ट एवरेज ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। देखो यहाँ वर्ड यूज किया कौन सा, उसके पास एक्यूरेसी चाहिए, तो एक्यूरेसी चाहिए तो एक्यूरेसी को भी करेक्ट करना आना चाहिए, जैसे हमने देखा एक्यूरेसी को करेक्ट कैसे करता है, इसके पास एबिलिटी क्या करना, वो क्या कर सकता है, प्रूफ रीडिंग कर सकता है, he can do the proof reading, समझ में आ रहा है, तो उसके पास प्रूफ रीडिंग करने का एबिलिटी रहता है, he can do the proof reading, accuracy मतलब maintain करने के लिए proof reading करता है। Any mistake during the replication would be result of the mutation, देखिए मैं बोल रहा था A के जगह T आ गया, G के जगह C आ गया, ऐसा कुछ भी हो गया तो क्या हो सकता है, there is a cause of mutation हो सकता है, बट म्यूटेशन होने नहीं देता है, कौन होने नहीं देता है, बिकॉज the DNA polymerase C enzyme or the what we can say उनके पास ability क्या करने का, what we can say proof reading करने का ability, ठीक है। चलिए furthermore, energetically replication is very expensive process, देखिए बहुत expensive process, बहुत energy लगता है, लेकिन देखिए मैंने क्या बोला था आपको, मैं बार बार बताया था, तो energy कैसे मिलती है, देखिए डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, उसके पास क्या रहता है, ट्राइफॉस्फेट का रहता है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड इज मेरे को व्हाट, ट्राइफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट रहते हैं, हमने देखा था तीन फॉस्फेट में से दो फॉस्फेट यूज किए जाते हैं, ये चीज कितने लोगों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो बोल दो सर, समझ में नहीं आया, तीन फॉस्फेट में से दो फॉस्फेट यूज करते हैं किसके लिए, चिपकाने के लिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा नहीं बोल दो, मैं इसको फिर से बता दूंगा, ठीक है, यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन, अगर नहीं आ रहा तो बोल दो। ये कितने लोगों को आइडिया है इसका, कि एनर्जी हमें डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलती है, यस प्लीज, जिनको क्लियर नहीं देखे ना आस्क, नो प्रॉब्लम, मैं उनको समझा सकता हूं, मेजोरिटी होगा तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इस मैंने बताया था, आई थिंक ये चीज बताया था मैंने बहुत बार, ये उसी का एनर्जी यूज करके हम क्या करते हैं, ये काम कर सकते हैं, ठीक है, चलिए चलो। तो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो है ना, जो ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, उनका डबल पर्पज है, क्या डबल पर्पज है, एनर्जी भी देते हैं और वहां पे क्या करते हैं, बेस पेयरिंग फॉर्म करते हैं, दे आर ड्यूअल पर्पस, उनका डबल पर्पस बोल सकते हैं। इन एडिशन टू एडिंग द सबस्ट्रेट दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, जब पॉलीमर बनता रहता है तो पॉलीमर बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर, ये देखो पॉलीमर बनाने के लिए क्या होता है, वो अपना ही एनर्जी यहाँ इन्वेस्ट करके क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो दोनों चीजें, मतलब पॉलीमराइजेशन करने के लिए अपना एनर्जी भी मतलब प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से और पॉलीमर भी बनाते हैं, तो ड्यूअल पर्पस, ये क्वेश्चन नीट के अंदर आता है, पता होना चाहिए। सो टू टर्मिनल्स ऑफ फॉस्फेट इन द डिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हाई एनर्जी फॉस्फेट सेम एज इन केस ऑफ पीटीए, मतलब बता रहा था ना, यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से ये है, देखो यहाँ तीन रहते ना, तीन तीन में से दो जो रहते ना, दो पहले दो उनके पास बहुत हाई एनर्जी रहता है, दे आर वेरी हाई एनर्जी, पहले इसके पास ज्यादा नहीं था लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा रहता है, जैसे एटीपी केस में होता है, एटीपी केस में क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, पहले दो टर्मिनल्स में एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बार बार बोल रहा हूँ, फर्स्ट दो टर्मिनल मतलब पहले दो इसमें बहुत ज्यादा रहते हैं, तीसरे में उतना नहीं रहते, ऐसा बोल रहे हैं, पहले दो मतलब इसमें ये दो पहले ये और ये पहला बॉन्ड, ये फर्स्ट फॉस्फेट सेकंड फॉस्फेट थर्ड फॉस्फेट ये वाला बॉन्ड इन दो बॉन्ड में एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, तो ऐसा बोला गया यहाँ पे, पता होना चाहिए, क्वेश्चन नीट के अंदर आ सकता है, हमें दो तीन बार बोल दिया, ध्यान दीजिए, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। ओके सो इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेनी एडिशनल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड, देखिए मैं बोला था एडिशनल एंजाइम लगते हैं, तो हमने देखा बहुत सारे डीएनए एज सिंगल सेल बाइंडिंग प्रोटीन, तो प्रोटीन था हेलिकेज है ना, देन काइरेज, उसको टोपोइसोमेरेज बोलते हैं, क्या देखा था हमने, आरएनए पॉलीमरेज, तो बहुत सारे एंजाइम एडिशनल लगते हैं, ठीक है चलिए। रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, समझ में आ गया, ओके। फॉर अ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल सिंस टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कैन नॉट बी सेपरेट
इन इट्स एंटायर लेंथ, ऐसा कभी हो सकता है क्या? दोनों के दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड है पूरे के पूरे एंटायरली सेपरेट होते क्या? नहीं होते। तो उन्होंने क्या बोला है? मैंने बोला रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होता, तो वहां पे एक्सप्लेन किया। ओके, ड्यू टू वेरी हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट, एक तो रीजन है वहां एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है और एक्यूरेसी भी, ये पहला रीजन ही दिया, ठीक है? नहीं होते तो एनसीटी बोलता है इतना रीजन एक्सेप्ट करो और रीजन ऐड मत करो, बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है इसलिए एक साथ पूरा का पूरा होता नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेप्लिकेशन ऑकर्स विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ अ डीएनए हेलिक्स रेफर्ड एज अ रेप्लिकेशन फोर्क, छोटा सा ओपनिंग होता है उसके बाद रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं ना। देखो हमने रेप्लिकेशन फोर्क क्या मैंने बता दिया एग्जैक्टली, रेप्लिकेशन बबल अलग है, रेप्लिकेशन फोर्क अलग है, ठीक है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलिस्ट पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, 5'-3' डायरेक्शन में क्या करता है, वर्किंग करता है, दूसरा डायरेक्शन वर्क नहीं करता। इस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन, इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एट अ फोर्क, ठीक है? इसकी वजह से कभी कभी एडिशनल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, देखिए एक स्टैंड क्या बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा, ध्यान दीजिए 3.25 प्राइम चला तो एक स्टैंड क्या बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा। क्यों? पॉलीमरेज इस दिशा में वर्क करता ना, लेकिन दूसरे एक स्टैंड के ऊपर क्या है भैया, तो यहाँ आरएनए प्राइमर डालना पड़ेगा, फिर वापस आ जाओ, फिर बनाओ, फिर आगे क्या भागो 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 उसको बनाओ, फिर वापस आ जाओ, भागो भागो इस करो, मतलब उसकी भागदौड़ होती रहती है। ये अभी थोड़ा और एडवांस हो गया, साइंटिस्ट लोग कुछ और कह रहे हैं लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या बोल रहे हैं, पॉलीमरेज क्या होता है, एक ही दिशा बनता है, तो वहां तक बनाने जाता है, फिर वापस आएगा, फिर बनाने जाएगा। एक्चुअली क्या है, देखिए नीचे का जो स्ट्रैंड है, नीचे के स्ट्रैंड के लिए बहुत सारे क्या लगते हैं, आरएनए प्राइमरेज लगते हैं, ऊपर आरएनए प्राइमरेज बार बार नहीं लगते हैं, ऊपर आरएनए प्राइमरेज बार बार नहीं लगता, क्योंकि हर बार उसको नए से स्टार्ट करना पड़ता है, नए। देखिए मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, देखिए जो नीचे वाला स्टैंड है, कौन सा आपका जो नीचे स्टैंड था 5'-3' था ना, इसको हर बार नया स्टार्टिंग करना पड़ता है ना, एवरी टाइम देयर सपोज टू डू द न्यू स्टार्टिंग, फिर यहाँ पे लगा दो, फिर यहाँ पे लगा दो, फिर यहाँ पे ऐसे, तो हर बार नया नया लगाना पड़ता है। सो दे आर एडिंग एवरी टाइम न्यू स्टैंड, एवरी टाइम नया नया स्टैंड लगा तो कैसे होगा, इट विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो एवरी टाइम इफ आर एडिंग द न्यू स्टैंड, सो इट विल क्रिएट द कॉम्प्लिकेशन, तो इसलिए क्या होता है वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, पता होना चाहिए। ओके चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया, चलो यहाँ पे क्या, चलो सो यहाँ बोला क्या, सो दिस क्रिएटेड सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेशन फोर, क्या बोल रहे हैं, कंसिक्वेंटली वन स्ट्रैंड दैट इज टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3'-5', मतलब इसका मतलब क्या, देखिए एक स्टैंड मतलब कौन सा, देखो जो कि 3'-5' के साथ जो स्ट्रैंड बना है, देखिए ध्यान दीजिए ये वाला स्टैंड ऊपर की तरफ जो बना है, ये स्टैंड, ठीक है? और यहाँ प्राइमरी भी होगा डेफिनेटली, आई विल ऐड प्राइमरी हियर, यहाँ पे मैंने प्राइमर लगा दिया, और दूसरा स्टैंड नीचे की तरफ है, देखिए हियर इज अ न्यू स्टैंड इज देयर, ये कहाँ से हो रहा है, इट इज 3', इट इज 5', ओके ये स्टैंड वाला नीचे वाला स्टैंड है, ओके। तो या क्या बोल रहा है, देखो वन स्ट्रैंड द टेम्पलेट विद द पोलैरिटी 3'-5', मतलब ये टेम्पलेट है, उसके साथ जो स्टैंड चिपका हुआ है ना, वो क्या हो जाएगा, द क्या है, द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूस, मतलब इधर क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन क्या हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, ऑन वन स्टैंड, देखिए कंटिन्यूस हो रहा है, ओके। While other stand template with polarity 5'-3', मतलब वही यहाँ पे नया, यहाँ और एक स्टैंड है मान लेते हैं, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, इसको ऐसे बोल सकते हैं, तो दूसरा बन रहा है यहाँ पे, पोलरिटी कहाँ है, इसके जस्ट नीचे बोल दीजिए, इसके नीचे जस्ट नीचे 5'-2', मतलब हम रीड ऐसे देख रहे हैं, ये अगर उसको 3'-5' बोले तो इसको 5'-3' बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ना, तो इस जगह पे क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिसकंटिन्यूस मिल रहा है, समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए कंफ्यूज मत होना, व्हाट इज सेइंग हियर, यहाँ पे क्या बोल रहा है ये देखिए, ये बोल रहा है कि देखो फिर से बताता हूँ वन स्ट्रैंड ऑफ टेम्पलेट विद पोलैरिटी 3'-5', द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूस, एक जगह पर रेप्लिकेशन कंटिन्यू हो रहा है, व्हाइल अदर स्ट्रैंड टेम्पलेट विद पोलैरिटी, दूसरा स्ट्रैंड किस पोलैरिटी किस टेम्पलेट कर रहे हैं 5'-3', ऐसे रीड कीजिए, ऐसा रीड मत कीजिए, ऐसे रीड करना है, डोंट ऐसे यहाँ से रीड करके आप गलती मत करना, हमें रीड ऐसे ही करना है, समझते हैं, ऐसे समझना है, एनसीईआरटी इस तरीके से समझा रहा है तो उसी तरीके से समझो, ठीक है, अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है सर, इधर से भी रीड कर सकते नहीं, वन स्ट्रैंड विच पोलैरिटी, किस स्ट्रैंड का पोलैरिटी, इसका 5'-3' पोलैरिटी, उसके पास क्या है, वहां पे डिसकंटिन्यूस है, देखिए डिसकंटिन्यूस दिख रहा है, बीच में गैप दिखता है, द डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज्ड फ्रैगमेंट आर लेटर जॉइंड बाय द विच एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम, मैं बोला था बाद में एंजाइम है तो बाद में क्या करता है उसको जुड़ाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो डिसकंटिन्यूटी को फिल करता है, ठीक है चलिए, द डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट बी इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, खुद से वो प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, इसका मतलब क्या लगता है, देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट, आरएनए प्राइमर, समझ में आ रहा है, आरएनए प्राइमर,
also ये ऐसा बोल रहा है, इसका मीनिंग यहाँ पे बताना है, ठीक है. Also the replication does not initiate randomly at any place in the DNA. कहीं पे भी होता है क्या randomly? नहीं होता है. पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया, मतलब own cannot be initiated the process of replication. उसे क्रिएट नहीं कर सकता. पहले क्या लगता है? आरएनए प्राइमर लगता है. ये फर्स्ट हो गया. दूसरे का मीनिंग तो क्लियर दिया. रेप्लिकेशन डज नॉट इनिशिएट रैंडमली एट एनी प्लेस. देयर इज एन डेफिनेट रीजन इन ई कोलाय. यहां ई कोलाय फटा से ला दिया. डीएनए वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, सच अ रीजन इज कॉल्ड एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. देखा हमने ई कोलाय के बारे में. प्रोकैरियोटिक मतलब ई कोलाय ले सकते ना, वहां पे क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इस तरीके से बोल सकते हैं. कहीं से भी रैंडमली होता नहीं. It is because of requirement of origin of replication that piece of DNA needed to be propagated during the DNA process. यह क्या बोल रहे हैं? यहाँ क्या बोल रहे हैं? अच्छा. ये paragraph मैंने बोला था ना, ये biotech के अंदर का paragraph. ये समझ में नहीं आएगा. This is जब हम biotechnology पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है. यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा. इसके लिए biotechnology पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा. So don't think about this. आगे चलते हैं. ये क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा. उस समय में अगर वो चैप्टर पढ़ के ये पढ़ोगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा. क्यों? जब तक वो पूरा चैप्टर नहीं समझ में, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा. इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ. ओके चलिए आगे चलते. फर्दर नॉट एवरी डिटेल रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल, है ना. मतलब हर रेप्लिकेशन अच्छे से हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बोल रहे हैं, क्योंकि मैं बोला ना हर वक्त रिसर्च होते जा रहे हैं. इसलिए इन यूकैरियोटिक्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट यस प्लेस. यस प्लेस के अंदर होता है इन द साइकिल. ओके तो पता है आपको. ये स्पेस द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड द सेल डिवीजन साइकिल शुड नॉट बी हाईली शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड. मतलब जैसे कि व्हाट वी कैन से सेल का डिवीजन भी हो रहा है और अंदर का भी रेप्लिकेशन अच्छे से होना चाहिए ना, इस तरीके से. तो दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है. क्या हो सकता है? सेल तो डिवाइड हो गई, समझ में आ रहा है, और रेप्लिकेशन हो गया. रेप्लिकेशन होने से पहले क्या हो गया? सेल डिवाइड हो गई. मतलब देखिए कुछ इस ये सेल है आपकी, कुछ इस एरिया में क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है इस एरिया में, इस तरीके से थोड़ा न्यूक्लियोसाइड में गया और सेल ने डिवीजन कर दिया. और क्या हो गया भैया? एक के अंदर दो डीएनए चले गए, एक के अंदर कुछ भी नहीं, जीरो, ऐसा बोल रहा है. तो क्या हो गया? अ फेलियर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन, समझ में आ रहा है, रिजल्ट टू पॉलीप्लाइडी. या फिर ऐसा बोल दो, ये भी चीज बोल सकते हैं. अभी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया. या फिर ऐसा बोलो, यहाँ पे इसका मीनिंग ये निकलता है. यहाँ मैं कुछ और बता दिया, ये भी हो सकता है, बट इसका मीनिंग ये बोलो कि डीएनए रेप्लिकेशन तो हो गया, दो डीएनए तो बन गया, लेकिन क्या हो गया? सेल डिवीजन हुआ नहीं. तो भैया दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. तो क्या होगा? इधर हैप्लॉइड था, क्या बन जाएगा? सॉरी डिप्लॉइड था, क्या बन जाएगा? टेट्राप्लॉइड बनने के चांस है. ये पॉलीप्लॉइड होने के चांसेस हो सकते हैं अगर फेलियर हो गया तो, ठीक है. सो उसको उसी के ऊपर बोलते हैं क्रोमोजोमल एनोमलाई. मैंने बोला था कि एक क्रोमोजोम के ऊपर क्या दिखता, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा पार्ट दिखता है, थोड़ा सा हर एक क्रोमोजोम के ऊपर थोड़ा थोड़ा क्या दिखा, हमें एक्स्ट्रा पार्ट देखेगा. इसको क्रोमोजोम एनोमलाई बोलते हैं, ठीक है. मैंने बताया था आपको. यू विल लर्न दिस डिटेल नेचर ऑफ ओरिजिन इन द प्रोसेस ऑफ इन हिज हायर क्लास. अभी ये तो सब हमें हायर क्लास में पढ़ना है. चलिए तो ये हो गया आपका रेप्लिकेशन. इट टेक टाइम बट ये वर्दी था. चलिए सो आई होप ये समझ में आया होगा सबको. क्लियर है सबको? तो या फिर और मैं सर क्लियर है या नहीं बोलना चाहता. मैं ये क्वेश्चन करूंगा, डाउट है तो पूछूंगा. क्लियर है तो बोलते आप हाँ बोल देता हूँ. एनी डाउट यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम. क्लियर है बोलने के बाद सबको बर्डन आता है. हाँ सर क्लियर है बोल दो. कुछ डाउट है तो बोल दो. क्लियर है बोलो. एनी डाउट यू कैन आस्क डाउट, नो प्रॉब्लम. यस प्लीज, एनी कैन डाउट. डाउट है तो डाउट बोलो, नहीं तो नो डाउट बोलो. यू कैन आस्क प्राइवेटली आल्सो. आप चैट बॉक्स में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपका डाउट ले लूंगा अभी का अभी. यस प्लीज, कृपया करके बताइए. कोई डाउट हो तो बोल दीजिए. अपना मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही नहीं दे रही? अच्छा ले तो तुम्हारा रुको, तुम्हारा डाउट मैं वॉइस बॉक्स खोल के लेता हूँ. तो समझना पड़ेगा उनको तुम क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है. मैं लेता हूँ क्लास के एंड में तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हें अनम्यूट करके लूंगा. ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या. ओके चलो
तो इस तरीके से मुझे लगता है कोई डाउट पूछने वाला है। ओके चलिए, सो विल स्टॉप हियर, हम यहीं पे रुक जाते हैं। और सुनो, भागना मत, जिन लोगों के डाउट है वो रुक सकते हैं पीछे, मैं उनको अनम्यूट करके डाउट ले लूंगा, ठीक है? जिन लोगों को डाउट पूछना हो पूछ सकता हूँ, आई विल डू द अनम्यूट एंड देन आई विल आस्क, चलेगा? सो फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट वी कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। जो लोग जा सकते हैं चले, जो लोग को डाउट है वो पूछ सकते हैं। मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। किस किसका डाउट है पूछो फटाक से, इफ एनी काइंड ऑफ डाउट दे कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। कृष्णा हरे कृष्णा, कल के टेस्ट में सेम टॉपिक आएगा, ठीक है? जितना मतलब फर्स्ट सिंपल क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर आप सॉल्व करो उसको, ठीक है? मैं कॉम्प्लेक्स नहीं डालने वाला, जब आप सॉल्व कर सकते वैसे क्वेश्चन डालूंगा, जब तक ये नहीं होता कवर तब तक मैं इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं डालने वाला। ये टॉपिक आएगा, MBI आएगा। ललित अनम्यूट कर सकते खुद को, ललित अनम्यूट कर सकते, अनम्यूट कर। ललित अरे अनम्यूट करो बाबा, ठीक है? पहले उसका उसका लेने दो, मैं ये करता हूँ। डिसेबल्ड है माइक, अरे डिसेबल नहीं, मैंने सबको अलाउ किया ना, एक मिनट रुको मैं फिर से देखता हूँ। अनम्यूट ऑल किया सबको मैंने, सब ऑल पार्टिसिपेंट कैन अनम्यूट करो एक बार फिर से, हो जाएगा। तो काम करो फिर से, रिज्वाइन करो फिर से ना, अलाउड टू पार्टिसिपेट टू अनम्यूट ऐसा बोला है मैंने, फिर से रिज्वाइन करो। जिन लोग डाउट से रुक जाए थोड़ा उसका लेता हूँ, फिर जैसे होगा तो आप ये करते हैं। अभी कोशिश करो फिर से, देखो आ जाएगा ललित। हो रहा है ललित अनम्यूटिंग, अलाउ द पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ, मैंने तो अलाउड किया है, करंट एंड न्यू पार्टिसिपेंट विल बी अनम्यूटेड। सुमित का हो गया ना? हाँ सर। ललित तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है? उसका तो हो गया। हाँ हो गया, हो गया सर, हो गया। हाँ एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, जस्ट वन मिनट, मैं शेयर करता हूँ, रुको पहले। हाँ सर, एक मिनट मैं शेयर करने दो। बोलो बोलो बोलो, अभी क्या डाउट है सर? वो एडेनिन और थायमिन आपने बोला ना, वहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चालू होता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस डीएनए पे दोनों स्ट्रैंड पे आएगा ना, मतलब दोनों के एडेनिन और थायमिन ज्यादा हो गए एक जगह पे, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्यों नहीं होता वहां से? दोनों जगह पे एडेनिन और थायमिन ज्यादा है ना। अच्छा ऐसा बोलो कि फिर से यहां से ओरिजिन ऑफ, ऐसा बोलो कि फिर से होना चाहिए, बोलो क्या? नहीं, ब्रेक होने से पहले इस स्ट्रैंड नीचे वाले स्ट्रैंड के ऊपर भी था ना एडेनिन और थायमिन,
तो वहां पे भी होना चाहिए ना, दोनों साइड से क्यों नहीं। और सर वो ये जो बोर्ड की डायग्राम है उसके अंदर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मतलब दोनों साइड से भी हो सकता है ना, इधर से हो सकता है, इधर से हो सकता है, ऑन द बोट साइड, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही से हो रही है, यहां से ऐसा नहीं, बीच में से उन्होंने स्टार्ट किया है ये करना, स्ट्रैंड बबल है ना, बबल के बीच में से स्टार्ट किया है और दोनों साइड पे दिखा है। सुनो सुनो सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज सुनो, पहले कंफ्यूज मत होना, ये जो डीएनए है ना, डीएनए देखिए, यहाँ डीएनए, ठीक है, देखो ये देख, इस तरीके से अगर सिचुएशन है, पहले सुन, पहले ध्यान से सुन, तो पहले ये रहा सिचुएशन, लाइक वैसे देख, अगर ऐसा है, सुन मेरी बात, तो इस साइड से भी आप ये कर सकते हो, और इस साइड से भी आपका ये आएगा है, फोन हेली कैसा आएगा, तो इधर का इधर चलते रहता है और इधर का चलते रहता है, लेकिन ये जो चलेगा ना, यहाँ अगर पॉलीमरेज आ रहा है तो कहां तक करेगा, यहां तक ही करेगा, समझ में आ रहा है, इसके आगे नहीं करने वाला, बस इधर तक, यहाँ फुल स्टॉप है, देखो यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ क्या मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा, तो इधर का पॉलीमराइजेशन चल रहा है, यहाँ पॉलीमराइजेशन चलने दो, समझ में आ रहा है, यहाँ का यहाँ चल रहा है, यहाँ से अलग से सिस्टम वर्क करेगा, ये सिस्टम अपना अपना काम करेगा, यहाँ से कंटिन्यूस चलेगा, तो पॉलीमराइजेशन इस दिशा में हो रहा है, इस दिशा में हो रहा है, यहाँ ये वाले पॉलीमराइजेशन कहाँ तक, पॉलीमराइजिंग एंजाइम कहाँ तक वर्किंग करने वाला है, इधर तक ही करने वाला है, समझ में आ रहा है, इससे आगे नहीं जाएगा वो, इसका आगे अलग से पॉलीमराइज एंजाइम आएगा, अपना अपना सेम फंडा इधर भी एप्लीकेबल है, वही स्ट्रेच हो सकता है, नीचे से वर्क करेगा, नीचे की तरफ कंटिन्यूस बनेगा, ऊपर की तरफ डिसकंटिन्यूस बनेगा, ऐसा होगा ना, नीचे की तरफ कंटिन्यूस बनेगा, ऊपर की तरफ डिसकंटिन्यूस बनेगा, इस केस में, इस केस में क्यों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, 3.2 5 है, तो पॉलीमरेज एंजाइम कहा जाएगा, ऐसे वर्क करेगा 3.25, और ऊपर ऊपर की तरफ क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूस बनेगा, उसको गोली मार दो, यहाँ आप जैसे वैसे हो रहे हैं, यहाँ होगा, खाली स्ट्रैंड पल्टी मार रहे, तो उसके अनुसार वर्किंग करेगा, तो वो जो बोला है सही है, इस दिशा में होता है, दोनों दिशा में होता है, इट ऑकर्स इन बोथ द स्ट्रैंड, हाँ, लेकिन इतना है कि मल्टीपल जगह पे वो स्टार्ट होता है, मल्टीपल जगह पे होते होते बाकी सब एक साथ, बाद में सब एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं, ऑल ऑल बिकम लेटर ऑन बिकम ज्वाइन, फिर वो सेपरेट हो जाएगा, ये रहा पहला सवाल, तुम्हारा ये डाउट क्लियर है, दोनों जगह से हो रहा नहीं हो रहा है, सर वो ये जो बबल है बीच में से क्यों नहीं होता फिर, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बीच में से हो सकता है ना, डायरेक्टली कहाँ पे, बबल के बीच में से। मतलब ऐसा, मतलब ये रहा डीएनए, ठीक है, ये रहा डीएनए, ठीक है, तो देख ये तो क्लियर कर पहले, यहाँ अगर मैंने ORI है बोला है, यहाँ पे क्या मिलेगा, A4T ज्यादा मिलने वाला है यहाँ पे, हाँ सर वो एडिनिन थायमिन दोनों साइड पे हो गए ना ज्यादा, एडिनिन थायमिन कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। तेरा क्वेश्चन क्या है, वो क्लियर नहीं हो रहा है, एक सिंपल चीज है, इसको ORI साइड बोलेंगे, तो ये बन जाएगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तुम क्या हाँ बोल रहे हो, तो आगे क्या बोल रहे हो, तुम बोलो मुझे, तो एक ही बबल के अंदर दोनों साइड पे, मतलब दोनों स्ट्रैंड के ऊपर ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन हो गया ना, मतलब एक ही स्ट्रैंड पे दोनों स्ट्रैंड पे अलग अलग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सुनो सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिंपल ध्यान दो भैया, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत कर सकते, तो ये एरिया है, उस एरिया से हमें क्या करना है, रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, तुम क्या बोल रहे हो अभी, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम ये बोलना चाहते हो कि अगर बबल बन गया, ठीक है, हाँ बबल बन गया, तो तुम ये बोल रहे हो कि सर क्या बोल रहे हो सर, इधर भी तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ऐसा बोल रहे हो क्या, हाँ वही क्या तुमने, अरे ये पूरा एरिया इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सर, फिर ओरिजिन इधर से नीचे से क्यों नहीं स्टार्ट होता है, अभी एक 5 कॉम्प्लीमेंट्री और 3 कॉम्प्लीमेंट्री है, तो नीचे से भी हो सकता है ना, ऊपर से और एक नीचे से भी। अच्छा मतलब, अच्छा ऐसा बोल रहे हो, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि सर ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, मतलब 5 5 डैश टू 3 डैश दोनों दोनों साइड से जा सकता है ना, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो एक मिनट रुको, मैं बताता हूँ तुम्हारा कहना क्या है, तुम्हारा कहना ज्यादा इस तरीके से होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, राइट, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, कि तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि सर इधर डायरेक्टली डीएनए पॉलीमरेज ऐड करो,
और अपना अपना इधर से काम स्टार्ट करो, ऐसा कहना तुम्हारा, ऐसा कहना सर बीच में से ओरिजिन से स्टार्ट होगी ना, यहाँ से यहाँ पॉलीमर एंजाइम डालो और अपना अपना काम शुरू करो, ऐसा कहना तुम्हारा, ऐसा बोल। हाँ बीच में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वहां से स्टार्ट होगा ना, बीच में डायरेक्टली मिडल से बबल के इधर से, हाँ वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा ना, यहाँ से रेप्लिकेशन, यहाँ देख ओपनिंग कहाँ से हो, यहाँ से ओपनिंग हो गया ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से क्यों करेंगे, ओरिजिन बोलते हैं सर फिर, ओरिजिन वहां से स्टार्ट होगी ना, तुम सेंटर को ओरिजिन बोल रहे हो तुम ऐसा, हाँ अरे राजा उसको सेंटर को ओरिजिन कभी नहीं बोलने का, ओरिजिन मतलब देख ये बबल हो गए, दिस इज व्हाट योर बबल, तो पहले क्लियर करो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब ऐसा कुछ सीक्वेंस, अच्छा 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 तुम्हारा कहने का मतलब यही कि सर, समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, मैं समझ गया, वो तो समझ गया बबल होगा ना, सुनो 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 समझे समझा मैं तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, देख भाई देख तुम ऐसा बोल रहे हो कि एग्जैक्टली इधर ही ए एन टी है, कहां पे, यहां पे ए एन टी है ना, हाँ यहीं पे ए टी, ए टी यहां पे है और यहां पे टी ए जो भी जैसे कॉम्प्लीमेंट्री आएगा यहां पे, और यहां बाजू में क्या है जी सी जी से, और यहां पे क्या है सी जी, ऐसा है, तो सर हम इधर से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से, यहां से, यहीं से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हो क्या, हाँ नहीं 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 ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि हम यहीं से स्टार्ट करें, सी ध्यान दो ये जो स्ट्रैंड है ये जो था ना, इससे क्या होता है कि जल्दी उस जगह से क्या होता है फटाक से ओपनिंग होता है, इसलिए उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, बहुत मैं कि भैया वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है कि उस एरिया से, पर्टिकुलर एरिया से, इसका मतलब ये नहीं कि हमें डायरेक्टली टी ए जी से स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं, वी कैन साइड में अगर होगा तो इससे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर ये अगर मान लीजिए आप उसको ओपन कर रहे हैं स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेच करते वक्त क्या हो सकता है, साइड का भी ओपन हो सकता है, अगर देख अगर किसी किताब में लिखा होगा कि टी ए या फिर ए से स्टार्ट हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इट मे हैपेंस ऐसा हो सकता है कि ए और टी को ओपन अप कर रहे हैं, तो ओपन करते समय क्या होता है साइड का जी ओर से भी ओपन हो सकते हैं, मेरा डाउट सही है, मुझे अभी समझ में क्या बोल रहे हो सर, ये बोर्ड की बुक में देखो ना सर, मैं डायग्राम शेयर करूंगा, करो करो पहले बता डाउट क्लियर हो गया, पहले बता, हाँ वो डाउट क्लियर हुआ, पर ये डायग्राम मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं इधर का, मैं करता हूँ पहले देखो, पहले सुनो, अगर किसी किताब में दिया होगा ध्यान दो, पहले किसी किताब में अगर खाली इधर शुरुआती ए और टी से किया होगी ध्यान दो ललित, बीच में से किया है, सुनो सुनो अगर ऐसा कुछ किया होगा ए और टी से तो उसको भी कंसिडर कर सकते, ये भी वैलिड है, अगर किसी ने अगर जी और सी से की होगी तो हो सकता है स्टैंड अगर ओपन कर रहे हैं तो साइड का भी ओपनिंग हो सकता है ना प्रेशर की वजह से, इस तरीके से बोलो बोलो बोर्ड का भी शेयर करो, बोर्ड का वो आपका वो शेयर बंद हुआ, क्या करना है आपका शेयर बंद करना पड़ता है, ऐसे है क्या, चलो करो तुम्हारा शेयर, या मैंने शेयर बंद, सर डिसेबल किया है, डिसेबल है, अबे काय टेंशन है, ये केलं काय शेअर करू शकतोस ना तू, नाही अजून नाही सर, तुम्ही डिसेबल केलंय मला, ऑज शेअर, तुमचं स्क्रीन शेअरिंग चालू आहे सर त्याच्यामुळे नाही होते, मी तर पॉज केले बघ, नाही स्क्रीन चालू, पॉज केली आता बघ, आता चालू आहे ना, आता बंद झाली, नाही ही स्क्रीन दिसते ना मला ही त्याच्यामुळे, त्याच्यामुळे नाही होते, ऑप्शन बंद करना है आपको, स्टॉप शेयर आता झालं, बोल बोल, नाही झालं नाही झालं, स्टॉप शेअर केले बघा, आता इथे येत आहे हॉस्ट डिसेबल अटेंडी स्क्रीन शेअरिंग, आता परत कर, परत हे कर, स्टॉप शेअरिंग केले, नाही तुम्ही डिसेबल केलेले सर ते सेटिंग मध्ये, काय टेन्शन आहे रे, कंटिन्यू कर सर, आणि बोलत आम्ही सर, कॅमेऱ्याने दाखवू का कॅमेऱ्याने, थांब 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 आम्ही सरांना बोलत आहोत, 2 मिनिट थांब, 1 मिनिट थांब फक्त.